तो हमने कल की क्लास के अंदर शुरू किया था इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, और सॉल्ट एनालिसिस करते हुए हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप की बात की थी। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हमने बताया, हमने लिया था सॉल्ट, उसमें डाला था डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और यहां पर हमारे पास सिंपल सी कुछ चीजें हैं, जैसे कि हमारे पास जो आयंस थे, हमने बोला था इट वॉज NO2-CO32-HCO3- एंड वी हैड S2-, वी हैव SO32-, S2O32-, ठीक है, नाइट्राइट हो गया, क्लियर। और हाँ, एक आयन जो छोटा सा मिस हो गया था, दैट वॉज CH3COO-, एसिटेट आयन, ठीक है। अगर हम इन आयन्स की बात करते हैं, तो व्हाट वी डिड वाज वी टुक द सॉल्ट, एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद देयर वाज एन ऑप्शन, वी गेट ब्राउन गैस। एक्चुअली होता यह है कि जब हम इसके अंदर सॉल्ट ये डालते हैं, तो जो गैस निकलती है दैट इज NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज आउट होती है, ये फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन, नाइट्रिक ऑक्साइड इज नॉट ब्राउन, इट इज प्योर कलरलेस, ठीक है। और इसी वजह से अगर आप जो टेस्ट ट्यूब है, अगर आप उस टेस्ट ट्यूब को देखते हैं, मान लीजिए आपके पास नाइट्राइट है और उसके अंदर आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, तो यू वुड सी दैट देयर इज एफर्वेसेंस है, पर कलर नहीं है। कलर ऑब्टेन होता है जब टेस्ट ट्यूब की माउथ पे पहुंचता है ना, ये माउथ पे पहुंचने के बाद जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तब यहां से ब्राउन फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती है। तो इट इज द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट गिव्स द ब्राउन फ्यूम्स। नाइट्रिक ऑक्साइड कलर्ड नहीं है, इज इट ओके, ठीक है। नाउ तो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड दैट टेल्स अस दैट दिस कंटेन्स नाइट्राइट, ठीक है। अब नाइट्राइट के अंदर हमने ब्राउन रिंग टेस्ट की बात की थी, ठीक है, यानी कि आपने सॉल्ट लिया, सो वी हैव ब्राउन रिंग टेस्ट। यू टेक द सॉल्ट, यू एड डाइल्यूट CH3COOH, ठीक है, एंड विद डाइल्यूट एसिटिक एसिड यू एड FeSO4, and then you add concentrated CH3COOH along the walls of the test tube, and you get a brown ring. Our brown ring ka formula maine aapko bataya tha, it was FeH2O5NOSO4. Iska naam pata hai? Name it. जल्दी करो, नामकरण करो।
और हाँ, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस आपके लैब मैनुअल 11th क्लास में है, ठीक है, उसे अच्छी तरह पढ़ लेना. अच्छा है, मैंने आज देखा था सुबह, इट्स अ गुड वन. मुझे नहीं समझ में आता कि स्टूडेंट को दूसरी किताबें पढ़ने का टाइम कहां से मिल जाता है. लैब मैनुअल अगर पढ़ने बैठो तो बहुत है यार, लैब मैनुअल बहुत है, उसके अंदर बहुत कुछ है, क्वेश्चंस भी हैं लैब मैनुअल के अंदर, काफी डिटेल्स भी हैं, और उसके अंदर ये 7वां चैप्टर है इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस, बाकी पीछे 6 चैप्टर और हैं, और ये एक नहीं दो किताबें हैं, 11th की अलग है 12th की अलग है, 8 चैप्टर 11th में, 8 चैप्टर 12th में. इतना करने के बाद टाइम कहां से मिल जाता है यार. लोग पूछते हैं मुझसे किताबें कौन सी करें, नहीं ये वाली नहीं, जो लोग मुझसे पूछने आते हैं ना सर कौन सी किताब करें, सीधा सीधा पता चल जाता है उन्होंने कोई किताब नहीं करनी, उन्होंने सिर्फ किताबें इकट्ठी करके रखनी है. हाँ, रामकरण हो गया. देखो इसके दो तरीके से नाम होते हैं. हिस्टोरिकली इस आयरन को +2 माना जाता था, बट प्रैक्टिकली वी नो इट इज +1. तो अगर हम इसको +2 मान के आयरन का नेमिंग करते हैं, देन इन दैट केस इट इज पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल आयरन 2 सल्फेट. ठीक है, आयरन फेरेट नहीं, फेरेट एनायनिक पार्ट में आता है, ये कॉम्प्लेक्स एनायनिक नहीं है. ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में सीधा सीधा आयरन आता है. ठीक है, या फिर आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम आयरन 1 सल्फेट. अगर आयरन 1 लिख रहे हैं तो आपको नाइट्रोसोनियम लिखना पड़ेगा, अगर आयरन 2 लिखते हैं तो आप नाइट्रोसिल लिखेंगे. ठीक है, आई बिलीव द करेक्ट वन इज नाइट्रोसोनियम, बट इट सो हैपेंस दैट इन एवरी बुक यू आर गोइंग टू फाइंड नाइट्रोसिल. आयरन +1 है बट इट्स नाइट्रोसिल. ठीक है, सो दैट कुड बी द नेम ऑफ दिस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स. नाउ अब नाइट्रोजन, इसके नाइट्रेट के कुछ और टेस्ट हैं. एक टेस्ट और भी है कि लड़स से हमारे पास सॉल्ट है और इस सॉल्ट के अंदर आप डाल दें सल्फानिलिक एसिड. नाउ सल्फानिलिक एसिड इज SO3HNH2. This is sulfanilic acid. साथ में डालें acetic acid. ठीक है, और इसके बाद इसमें 1-naphthalamine डाल दें. इसे 1-naphthalamine बोल सकते हो या फिर इसको अल्फा नेफ्थाइलामीन बोल सकते हो. स्ट्रक्चर इज दिस इज 1-naphthalamine. जब ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस, तो ये जब सॉल्ट, अगर ये नाइट्राइट सॉल्ट है तो नाइट्राइट इस अमीन के साथ रिएक्ट करके इसको डायजोनियम आयन में कन्वर्ट कर देता है. So this gets converted into a diazonium ion okay? This reacts with this alpha naphthylamine to give the product as
This is a red azo dye. So this is a confirmatory test for nitrite ion. कमी है, कमी है। अच्छा है मैंने कमी नहीं बोला। NH2 कर दो ना इसे, ये NH2 है। और फिर इस कोने में क्यों बैठे हो, यहां आ जाओ भाई, सरक जाओ। हाँ, उस थोड़ी थोड़ी अनकंफर्टेबल है। हमें तो अभी क्लास में पता ही नहीं चला कि सीट अनकंफर्टेबल होती है, सच में बैठते कहां थे? हो गई उसकी गुड मॉर्निंग, बोल दिया उसने जोर से। टेप लिया? जल्दी टेप हो यार, अगला रिएक्शन लिखवाना है, इतनी देर लगा रहे हो। या फिर मैंने सीधा बोलना, जाके किताब में देख लो। नाउ देयर इज अनदर रिएक्शन। अगर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहां से, ये जो नाइट्रोजन निकल, ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो निकल रहा है, अगर इसका रिएक्शन करवा दिया जाए स्टार्च आयोडाइड पेपर के साथ। अब स्टार्च आयोडाइड पेपर क्या होता है? फिल्टर पेपर लिया जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर यू एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है? पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन उसके ऊपर डाला जाता है, उसके बाद उसके ऊपर फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन डाला जाता है। अब स्टार्च पोटेशियम आयोडाइड स्टार्च के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता। एड अ लिटिल बिट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एसिटिक एसिड जस्ट टू एसिडिफाई इट, एंड देन जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करता है, तो ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। और जैसे ही आयोडीन में कन्वर्ट करता, आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करके गिव्स अ ब्लू ब्लैक कलर। तो वी जस्ट से दैट ऑन एडिंग द सॉल्ट टू द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद वी गेट अ ब्राउन गैस विच टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। तो दैट इज अगेन अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। ठीक है, एसिटिक एसिड जस्ट टू एसिडिफाई इट, उसका ऐसा कोई खास रोल नहीं है। ठीक है, या फिर हम यहां पे एक और रिएक्शन कर सकते हैं। वी हैव द सॉल्ट, एड टू इट डाइल्यूट H2SO4, देन एड टू इट डाइल्यूट Ki+ starch, यू गेट अ ब्लू ब्लैक कलर। सो दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ नाइट्राइट।
ठीक है। और अभी अभी मुझे एक और रिएक्शन याद आ गया। वी कैन हैव सॉल्ट, ठीक है, एड टू इट KCl, एड टू इट COCl2 और COCl3, ठीक है, एंड एड अ बिट ऑफ डाइल्यूट एसिटिक एसिड, ठीक है, यू गेट अ टर्मरिक येलो प्रेसिपिटेट, टर्मरिक येलो प्रेसिपिटेट। दिस टर्मरिक येलो प्रेसिपिटेट इज K3CONO26। दिस कंपाउंड इज पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट, कोबाल्टी नाइट्राइट, ये इसका कॉमन नेम है, पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट्स विच इज इनसॉल्युबल। ये पोटेशियम के टेस्ट में भी यूज होता है, कोबाल्ट के टेस्ट में भी यूज होता है और नाइट्राइट के टेस्ट में भी यूज होता है, ठीक है। दिस इज पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट एंड इट इज टर्मरिक येलो। कलर याद रखना इस कंपाउंड का। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था, विच ऑफ दीज कंपाउंड आर नॉट येलो, या विच ऑफ देम इज अ येलो कंपाउंड। कलर के क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और इस बार वो जो IIT के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो आपकी NCERT की ये लैब मैनुअल में से हैं। वो जितने भी इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हैं, फिर से बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं पर तुम सुनते नहीं हो, सारे NCERT से आए हैं। बेटा तीनों प्रेजेंट हो गए तभी टेस्ट देगा। किसका टेस्ट है? नहीं, ये नाइट्राइट में भी यूज हो सकता है, कोबाल्ट में भी यूज हो सकता है, पोटेशियम में भी यूज हो सकता है। ओके, एग्रीड, ठीक है। हमें इस बार क्या चेक करना है? नाइट्राइट, नाइट्राइट चेक करना ना। तो हमने नाइट्राइट नहीं डाला, बाकी दोनों हमने डाले। जो आपने टेस्ट करना है वो मत डालिए, बाकी दूसरा है या नहीं उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि सॉल्ट के अंदर, अब नाइट्राइट का चेक नहीं कर, आपके पास सॉल्ट, आप ये चेक करना चाहते हैं पोटेशियम है या नहीं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यहां पे सोडियम नाइट्राइट आप डालेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड डालेंगे, आप एसिटिक एसिड डालेंगे, देखेंगे येलो कलर आता है या नहीं आता। कोबाल्ट का टेस्ट करना है, पोटेशियम नाइट्राइट डाल दीजिए, कोबाल्ट मत डालिए। इज इट क्लियर? जिसका आपने टेस्ट करना है वो मत डालिए, पता चल जाएगा वो है या नहीं, क्योंकि जब तक ये तीनों नहीं होंगे तब तक टेस्ट नहीं आएगा। तो अपनी तरफ से डाल दिया, तीसरा पता चल जाएगा। इज दैट क्लियर? और मान लीजिए आपको सॉल्ट जो दिया गया वो पोटेशियम नाइट्राइट ही दे दिया गया, मान लो आपको दे दिया गया, तो आप उसमें पोटेशियम का टेस्ट अलग से कर सकते हैं, नाइट्राइट का अलग से कर सकते हैं। पहले टेस्ट में आपने पोटेशियम क्लोराइड डाल दिया तो नाइट्राइट पता चल गया, दूसरे में नाइट्राइट डाल दिया पोटेशियम पता चल गया, और अब आपको शक हुआ कि इसमें पोटेशियम और नाइट्राइट दोनों है तो पोटेशियम और नाइट्राइट मत डाल दिया, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड डाल के चेक करके देख लीजिए येलो कलर आता है या नहीं आता, तो पता चल जाएगा सॉल्ट पोटेशियम नाइट्राइट है। ये तो होता है भाई, देखो रिएक्शन हमें पता होते हैं, ये रिएक्शन हो रहे हैं, नेचर सिर्फ ये बताती है ये रिएक्शन हो रहे हैं, इसको यूज कैसे करना है वो आपके दिमाग पे है। इज दैट ओके? ठीक है, तो दिस इज पोटेशियम कोबाल्टी नाइट्राइट। IUPAC नेम दे दो इसका, जल्दी करो। Thank you.
ये ओ एन ओ है, मतलब समझ में आ गया? हाँ, क्या नाम हुआ इसका? पोटाशियम कोबाल्टेट 3, ठीक है। क्लियर? याद रखना, दिस इज टर्मरिक येलो, दिस इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट ऑफ पोटाशियम। क्लियर? देखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में लिखा हुआ है। हमारे क्लियर? ठीक है। और अगर आपने एनसीईआरटी की लैब मैनुअल खोल के पढ़ ली ना, ऐसी तैसी हो जाएगी, बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तुम बस एनसीईआरटी खत्म कर लो, तुम्हारे लिए बहुत से ज्यादा है। ठीक है, ओके। तो मतलब बेटा, तो एनसीईआरटी खत्म कर ले, फिर मतलब पूछूंगा या मतलब बता दूंगा। ओके, सो दीज आर द टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। ओके, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा हटाते हैं। Okay, now we have option and we get colorless gas. अब कलरलेस गैस में हमारे पास ऑप्शंस हैं, ओडरलेस। अब अगर कलरलेस ओडरलेस गैस है, देन इन दैट केस इट कुड बी नहीं, इट वुड बी कार्बन डाइऑक्साइड इन दिस केस। बता दिया ना, फिर से बता रहा हूं, क्या दिक्कत है? ऐसे कह रहा जैसे याद हो गया हो। Pass it through calcium hydroxide or barium hydroxide, which will give you a white precipitate. Pass more of carbon dioxide, it gives a colorless, clear solution. ठीक है, अजय बाबा बता, कार्बन डाइऑक्साइड और पास करने पे वो क्लियर कलरलेस क्यों हो जाता है? हाँ, वो तो बन ही जाता है, पता क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। हाँ, अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाए तो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम बाइकार्बोनेट और बेरियम बाइकार्बोनेट, विच इज अगेन सॉल्युबल। अगर हीट करोगे वापस व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी क्रिएट दीज कंपाउंड्स। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। हाँ जी, हाँ, लिख लिया था, बाइकार्बोनेट वाला नहीं लिखा था ना, वो भी लिखवा दिया। ठीक है, अब हमारे पास ऑर्डर वाली गैसेस हैं। अब ऑर्डर वाली गैसेस के अंदर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। एक है विनेगर स्मेल, ठीक है, विनेगर स्मेल। अब विनेगर स्मेल है तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ एसीटेट आयन। ठीक है, अब एसीटेट आयन का अगर हमें हल्की सी विनेगर स्मेल आ गई, और एक बात का ध्यान रखना, ये ना वाहियात सा क्वेश्चन, वाहियात सा एग्जांपल है, विनेगर स्मेल आज सच आती नहीं है। ठीक है, क्योंकि सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर उसको हीट करना पड़ता है, तब जाके विनेगर स्मेल आती है। और विनेगर स्मेल लेने का एक और सबसे आसान तरीका है, जैसे हम किया करते थे,
अरे उससे भी अच्छा तरीका है, जस्ट टेक द सॉल्ट हाथ पे रखो, ठीक है, एक छोटा सा क्रिस्टल ऑक्सैलिक एसिड का ले लो, ठीक है, वो रखो, ठीक है, थंब को पानी से गीला करो और देखा होगा ना, जस्ट डू इट दिस वे एंड ऐसे रख मत लेना, तो जस्ट स्मेल इट, बहुत नीट एंड क्लीन एसिटेट स्मेल आती है, विनेगर स्मेल आती है, ठीक है। और अगर आपको ऑक्सैलिक एसिड नहीं मिल रहा तो चलते हुए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, बॉटल होती है, ऐसे करके हल्का सा लगा लो, रगड़ लो, बट हाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं होता हाथ को, ज्यादा टेंशन मत लेना, वैसे तुम करने वाले थोड़े ना, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, स्मेल कर लेना, पता चल जाएगा एसिटेट स्मेल है। अब एसिटेट स्मेल आने के बाद अब उसके दो तीन टेस्ट हैं, और ये टेस्ट जो है ना फालतू के टेस्ट होते हैं, एक टेस्ट तो बिल्कुल फालतू का, दूसरा तो फिर आ जाता है, एंड दैट फालतू का टेस्ट क्या होता है कि आपने सॉल्ट लिया, ठीक है, उसके अंदर डाला इथाइल अल्कोहल, ठीक है, और उसके बाद उसमें डाल दिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नाउ इट इज सपोज टू गिव यू अ फ्रूटी स्मेल, सपोज टू गिव यू अ फ्रूटी स्मेल, लेकिन मुझे वो फ्रूटी स्मेल कभी नहीं आई, मैंने बहुत बार ट्राई किया। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि इथाइल अल्कोहल की स्मेल इतनी ज्यादा होती है कि फ्रूटी स्मेल का पता ही नहीं चलता, और लोग ये कहता हाँ हाँ आ गई, अबे इथाइल अल्कोहल की स्मेल है जिसे फ्रूटी समझ रहा है, सड़े हुए फ्रूट की स्मेल है, वो फ्रूटी स्मेल नहीं है। रात पता नहीं कौन सी आती, वो इथाइल अल्कोहल की होती है, फेविकॉल में भी सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं तो कुछ होते होंगे, तो वैसी स्मेल आ जाती है, तो मुझे तो वो इथाइल अल्कोहल की स्मेल ही मिली, मुझे तो फ्रूटी स्मेल कभी समझ में आई नहीं। अभी मैं कल अपने बच्चे के बेटे के वहां पे गया था, बताया था ना, तो वहां गया था मैं, उसके वो था फेट था, तो वहां पे एक जगह ना एक वो लगा रखा था उन्होंने, बच्चों ने स्टॉल लगा रखा था कि आइडेंटिफाई द थिंग्स बाय द स्मेल, में दूर हट गया उससे, मगर पता नहीं पता सुखाने शुरू हो गया, मुझे तो इलायची और लौंग की स्मेल में फर्क नहीं पता चलना, तो मैं थोड़ा सा डर गया, साइड में हो गया, मैं नहीं गया उसके पास। ओके, तो अगर यहां पे सपोजेडली, लेकिन ये टेस्ट लिखने के लिए तो लिखा ही जाएगा ना, फ्रूटी स्मेल, नाउ दिस इज ऑफ द एस्टर, सपोजेडली ऑफ द एस्टर, ठीक है, क्लियर। नाउ वी हैव अनदर टेस्ट ऑफ एसिटेट, ठीक है, दूसरा रिएक्शन ये है कि सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट सॉल्यूशन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, सारे के सारे एसिटेट पानी में सॉल्युबल है, तो इस वजह से यू डोंट नीड टू बॉदर, अगर वो एसिटेट है तो वो डिसॉल्व जरूर हो जाएगा, ठीक है, एंड देन यू ऐड टू इट न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। अब देखो फेरिक क्लोराइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन पानी में बना के रखा जाए तो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, हाइड्रोलिसिस होने के बाद वो फेरिक हाइड्रोक्साइड नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है और उसमें थोड़ा सा HCl आ जाता है, क्लियर, तो दैट इज हाउ द फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। इसको न्यूट्रल FeCl3 बनाने के दो तरीके, दो भी या तीन तरीके हैं, एक तरीका सीधा सीधा ये है कि उसको हाइड्रोलिसिस करने का मौका ना दिया जाए, टेक वाटर, अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, पुट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड इनटू इट, शेक इट वेल, मेक अ सॉल्यूशन एंड यूज इट, तो इंस्टेंटली अगर उसको आप रिएक्ट करवा यूज कर लेते हो, देन इन दैट केस इट इज न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फेरिक क्लोराइड के पड़े हुए सॉल्यूशन को यूज करते हो, देन इन दैट केस उसका एक तरीका है, फेरिक क्लोराइड लिया आपने, सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू कर दिया, बहुत स्लोली एक एक ड्रॉप, ठीक है, इनिशियल डालोगे कुछ नहीं हुआ, फिर एकदम से एक हल्का सा प्रेसिपिटेट बनेगा, दैट प्रेसिपिटेट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, एट दैट टाइम उसको सेंट्रीफ्यूज कीजिए, फिल्टर कर दीजिए, जो सुपरनेटेंट लिक्विड आया, फिल्ट्रेट आया है, वो न्यूट्रल FeCl3 है, ठीक है, दूसरा तरीका ये है। तीसरा ये है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब आप डालेंगे तो डालते डालते उसमें से भी एक प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसे ही प्रेसिपिटेट बनेगा बॉइल करो, इट विल डिसॉल्व एंड दैट इज न्यूट्रल FeCl3। तो ये तीन तरीके हैं न्यूट्रल FeCl3 के, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस न्यूट्रल FeCl3 डालते ही यू गेट अ रेड
complex. You get a red complex. It is a red solution. Red colored complex ban jayega. Theek hai? Agar ise heat karte ho, to you get a brown precipitate. So that is, again, a confirmatory test for acetate. ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एसीटेट आ गया. नाउ वी हैव रॉटन एग स्मेल. नाउ द सड़े अंडे की स्मेल इज हाइड्रोजन सल्फाइड. ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर आपके पास लेड एसीटेट पेपर पेपर है, वो ब्लैक हो जाता है. वी हैड डिस्कस इट. लेड एसीटेट के सॉल्यूशन के थ्रू पास करोगे, यू आर गोइंग टू गेट अ ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड. ठीक है, दूसरा प्रेसिपिटेट, दूसरा रिएक्शन है. तीसरा, हाइड्रोजन सल्फाइड को अगर KMnO4 सॉल्यूशन के थ्रू पास करते हो तो इसको डीकलराइज कर देगा. हाइड्रोजन सल्फाइड को पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू पास करते हो तो उसे ग्रीन बना देगा. तो दीज आर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड. और उसके बाद हमने ये किया था कि अगर उसको सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के थ्रू पास करते हो, देन इन दैट केस इट गिव्स अ पर्पल और वायलेट कलरेशन. दैट आल्सो इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड. इज इट ओके? पर्पल और वायलेट कलरेशन इज ऑब्टेन्ड. और फिर मैंने आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है NA4FeCN5NOS, इसका नाम क्या है? और IUPAC नेम पूछा था. नहीं, गलत है. हैं? गलत है. नाइट्रोसिल थायो नहीं है. थायोल थायोल तो गलती है. कहां से देखा था? कौन सी साइट में देखा था? गूगल पे साइट कौन सी थी भाई साहब? गूगल पे आंसर नहीं होते, गूगल पे लिंक्स होते हैं. मैं साइट पूछ रहा हूं कौन सी साइट ने आंसर दिया था. अरे लिंक कौन सा था वो बता. ट्रांसट्यूटर था. बेकार है, छोड़, बेवकूफ. नहीं, एक्चुअली होता क्या है, ये बहुत सारे आंसर्स मैंने दिए हुए हैं, मुझे पता है. तो मुझे पता है वो आंसर्स कैसे लेते हैं. मेरिट नेशंस एंड ट्रांसट्यूटर्स एंड ट्यूटर विस्टा, ये जो है ना, ट्यूटर विस्टा का मैं मेंबर हूं. क्लियर? तो वो क्या करते हैं, दे आर सेंडिंग द क्वेश्चंस टू वेरियस पीपल. ठीक है, थोड़ा सा एक छोटा मोटा इंटरव्यू सा लेते हैं एंड दे सेलेक्ट द पीपल. और उसके बाद क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस भेजे चले जाते हैं एंड दे आर सपोज टू पे देम, पे द पीपल फॉर देयर आंसर्स. आज की तारीख में अब कोई पे नहीं कर रहा है. व्हाट दे आर डूइंग इज आंसर्स देते चले जाओ तुम. अगर तुम्हारे आंसर्स को देख के किसी ने उनके प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर लिया तो तुम्हें पैसे मिलेंगे. ये हो गया. तो लोग आर्बिट्ररी आंसर चिपकाते चले जा रहे हैं. अब मेरे पास मैसेजेस आए हुए, ईमेल्स आई हुई हैं. ट्यूटर विस्टा वाला परेशान हुआ पड़ा है, कहता है यार कुछ भी भेज देते हैं, कुछ भी लिख के भेज देते हैं, आंसर्स वांसर बस भरे चले जा रहे हैं, आंसर्स दिए चले जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं. तो इस वजह से बहुत वेरिफिकेशन नहीं हो पाता. ठीक है, तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा कि कौन सी, कहां से लिया है वो, नेट से सर्च किया. मेरिट नेशन, ट्यूटर विस्टा, ट्रांस ट्यूटर और एक और भूल गया मैं, और भी दो तीन साइट्स और हैं. ठीक है, ऐसे ही है. अगर आपको किसी किताब का लिंक मिल गया, जैसे गूगल डॉक्स पे मिल गया है, विकिपीडिया भी नहीं, अगर गूगल डॉक्स पे किसी किताब का लिंक मिल गया देन वी कैन एक्सेप्ट इट. ओके, या कहीं एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, किसी बुक का PDF एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है, ओके वी कैन एक्सेप्ट दैट, बट नॉट दीस. यहां पे कुछ भी चिपका देते हैं. ये जो कंपाउंड है NOS, दैट इज थायोनाइट्राइट. एक्चुअली इट इज थायोनाइट्राइट. ठीक है, यहां पे क्या हुआ, जैसे नाइट्राइट आयन होता है ना, नाइट्राइट आयन में एक ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा हुआ है. ठीक है, तो यहां पे NO की ऑक्सीडेशन स्टेट थी प्लस वन, NOS की ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस वन.
Clear? Isme change aaya hai. NO has a tendency to convert into NO2. ठीक है, तो NO अगर सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है तो NO2 की जगह NOS में कन्वर्ट हो जाता है और NOS पे माइनस चार्ज आता है क्योंकि सल्फाइड पे नेगेटिव चार्ज है. इज इट क्लियर? तो दिस इज थायोनाइट्रेटो. ठीक है, नाउ आई थिंक यू कैन नेम इट. दिस इज थायोनाइट्रेटो. Clear? अब तो नाम लिखते. ओके, सो दैट्स द टेस्ट फॉर सल्फाइड. ठीक है, अब नेक्स्ट बर्निंग सल्फर स्मेल. बर्निंग सल्फर स्मेल, और बर्निंग सल्फर स्मेल अगर सीधा सीधा बोलें तो जब प्लास्टिक वगैरह को जलाया जाता है ना, प्लास्टिक को जला देते हैं या रबर को जला देते हैं, तो एक बर्निंग रबर, बर्निंग टायर स्मेल होती है. वो बर्निंग टायर स्मेल इज बर्निंग सल्फर स्मेल, क्योंकि रबर को ऐसे जब बर्न किया जाता है तो उसके अंदर कोई स्मेल नहीं आती. रबर के अंदर स्मेलिंग कोई सब्सटेंस नहीं है. ठीक है, तो उसमें वल्कनाइजेशन के लिए सल्फर जो लगता है, तो वो वल्कनाइजेशन के लिए सल्फर जब वो बर्न करता है तो इट गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड, तो वो है बर्निंग सल्फर स्मेल. ठीक है, तो यहां पे ये सल्फर डाइऑक्साइड है. अब इस बर्निंग सल्फर स्मेल के अंदर भी दो ऑप्शंस हैं, एक विद व्हाइट और येलो पीपीटी, प्रेसिपिटेट होता है, कोलाइड सा बन जाता है, यानी कि आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला, उसमें से एफर्वेसेंस होनी शुरू की और ये जो क्लियर सॉल्यूशन था, दिस क्लियर सॉल्यूशन सिंपली बिकम्स ब्लरी मिल्की व्हाइट येलोइश हो जाता है, कभी कभी ग्रीनिश हो जाता है. ठीक है, दैट गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ S2O32- थायोसल्फेट. थायोसल्फेट में होता यह है कि अगर S2O32- को हम एसिड के साथ ट्रीट कर दें तो इट गिव्स अस सल्फर अलोंग विद सल्फर डाइऑक्साइड. तो ये जो सल्फर बना है ना, ये सॉल्यूशन को मिल्की व्हाइट या येलो या ग्रीनिश कर देता है. इस सब्सटेंस का जो कलर है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सल्फर, इट इज बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सल्फर. पार्टिकल के साइज के हिसाब से कलर बदलता चला जाता है. इस वजह से ये मिल्की व्हाइट भी हो सकता है, येलोइश भी हो सकता है, ग्रीनिश भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन. क्लियर? तो ये बन जाता है. तो दिस इज फॉर थायोसल्फेट. अब थायोसल्फेट का एक बहुत प्यारा रिएक्शन है जो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं. मुझे पता है थायोसल्फेट तुम्हारे कोर्स में नहीं, लेकिन फिर भी बताना है क्योंकि वो रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है. वो रिएक्शन बहुत सिंपल सा है. यू मेक द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, एंड आफ्टर मेकिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट यू सिंपली एड टू इट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ठीक है, ये रिएक्शन हमें अगर किसी भी क्लास में किसी के पास भी थायोसल्फेट आ जाता था ना, तो हम जबरदस्ती उससे थायोसल्फेट लेके ये रिएक्शन करते थे. हमारा नहीं होता था, फिर भी बड़ा मजा आता है इस रिएक्शन करने में. मुझे आता था, तुम्हारा पता नहीं, तुमने तो किया भी नहीं. क्या करते हैं, अब जैसे उसमें एक ड्रॉप ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डालोगे, ड्रॉप आते ही पूरा का पूरा व्हाइट, ऐसे ऐसे व्हाइट स्ट्रीम सी मूव करेंगी. जैसे आता नहीं है प्रेसिपिटेट सिल्वर नाइट्रेट का आता है, क्लोराइड में डालते प्रेसिपिटेट आता, व्हाइट स्ट्रीम सी आती है, पूरा मिल्की सा हो जाता है. जैसी वो सॉल्यूशन मिल्की होगा, कहीं कोने से एक येलोइश कलर शुरू हो जाएगा. धीरे धीरे वो येलो बनना शुरू होगा. उसी देखते जाओ, बस कुछ करना कुछ नहीं है, बस आपने एक ड्रॉप डाल के बस देखते जाओ. व्हाइट, पूरा व्हाइट हुआ, फिर येलो शुरू हो गया, येलो पूरा धीरे धीरे येलो होगा. जैसे ही पूरा येलो होने लगेगा, कहीं से ब्राउन शुरू हो जाएगा. वो ब्राउन शुरू होगा,
ब्राउन बनता जाएगा, जैसे ही ब्राउन कंप्लीट होगा कहीं से ब्लैक शुरू हो जाएगा, और फिर एकदम से धीरे 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 पूरा का पूरा सिस्टम ब्लैक हो जाएगा। इसके अंदर करीबन 5-10 सेकेंड लगते हैं, आराम से दिखता है कलर चेंज होता हुआ, बहुत मजा आता था इस रिएक्शन को देखने में। तो हम ऐसी एक बार करके फिर चलाया, दोबारा करके देखें, तो ऐसे करते रहते थे उसको, ठीक है। दैट इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट। और वो चेंज आता क्यों है, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन है। सबसे पहले आप सिल्वर नाइट्रेट का आपने जैसी सॉल्यूशन डाला, ड्रॉप डाली, इट फॉर्म्स सिल्वर थायोसल्फेट। सिल्वर थायोसल्फेट इज इनसॉल्यूबल। एक्सेस ऑफ थायोसल्फेट मीन सिल्वर सॉल्यूबल है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। फोटोग्राफी में यूज होता है हाइपो। हाइपो इज Na2S2O3, सोडियम थायोसल्फेट है हाइपो, ठीक है। एक्सेस मोर सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व कर देता है, लेकिन यहां पे जैसे वो प्रेसिपिट बनाता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिट बनता है। नाउ दिस प्रेसिपिटेट स्टार्ट्स डिकम्पोजिंग, डिकम्पोज करके वो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड बनाना शुरू करता है। सल्फाइड जैसे ही सिल्वर के साथ रिएक्ट करेगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का है। अब क्या है, इनिशियली उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है, तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से तो वो येलो बनता है, फिर थोड़े से ज्यादा बनते हैं तो ब्राउन हो जाता है, थोड़ा और ज्यादा होके ब्लैक हो जाता है। तो अल्टीमेटली उस सिस्टम के अंदर सिल्वर सल्फाइड है विच इज ब्लैक, ठीक है। बुक्स के अंदर जब रिएक्शन दिया जाता है तो सीधा सीधा सल्फाइड बना देते हैं, सिल्वर सल्फाइड लिख देते हैं। ऑफकोर्स सिल्वर सल्फाइड फाइनली बनता ही बनता है, लेकिन पहले सिल्वर थायोसल्फेट बनता है, फिर सिल्वर सल्फाइड बनना शुरू होता है, उसकी वजह से कलर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ थायोसल्फेट। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास विदाउट प्रेसिपिटेट है, इफ वी टॉक अबाउट विदाउट प्रेसिपिटेट, देन इन दैट केस द पॉसिबिलिटी इज वी हैव SO3 2- सल्फाइट, ठीक है। सल्फाइट में अगर हमारे पास ये सल्फाइट है तो इसके कुछ एक सिंपल से टेस्ट है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड का एक अपने आप में एक टेस्ट है, एंड दैट सल्फर डाइऑक्साइड टेस्ट इज, देखो एक इंपॉर्टेंट बात, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो गिव्स अ प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एंड दैट प्रेसिपिटेट अगेन इज वाइट। तो अगर आपको जुकाम है, आपकी नाक खराब है, देन इन दैट केस यू माइट बी फूल्ड बाय सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि स्मेल नहीं आएगी ना, अदरवाइज तो स्मेल आती ही पता चल जाएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन अगर स्मेल नहीं आ रही, देन इन दैट केस दे बोथ गिव द वाइट प्रेसिपिटेट। लेकिन हाँ, इसमें एक केमिकल डिस्टिंक्शन है, पास द गैस थ्रू पोटेशियम डायक्रोमेट, कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ पोटेशियम डायक्रोमेट, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम डायक्रोमेट को ग्रीन कर देगा। इन द सेम मैनर अगर उसको पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू पास किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का कोई फिर से कोई असर नहीं होता पोटेशियम परमैंगनेट पर, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम परमैंगनेट को डीकलराइज कर देगा। इज इट ओके, क्लियर? ये छोटी सी स्टेटमेंट लिख लीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड ऑल्सो forms a white precipitate with calcium or barium hydroxide, with calcium or barium hydroxide which is soluble in dilute HCl with evolution of sulfur dioxide. Full stop. It can easily be distinguished from carbon dioxide. It can easily be distinguished from carbon dioxide as
it has a characteristic, as it has a characteristic burning sulfur smell, characteristic burning sulfur smell, and decolorizes, and decolorizes acidified, and decolorizes acidified potassium dichromate and potassium permanganate solution. ठीक है, और भी टेस्ट किए जा सकते हैं इसमें. लेट्स से वी हैव सॉल्ट सॉल्यूशन, वी हैव सॉल्ट सॉल्यूशन एंड टू इट वी एड बेरियम क्लोराइड. ठीक है, वी विल गेट अ व्हाइट precipitate of BASO3. ठीक है, इस white precipitate में अगर आप कुछ drops of HCl डालेंगे तो ये dissolve हो जाएगा. ठीक है, अब इस white precipitate के अंदर आप बहुत डायल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन डालकर उसमें एक ड्रॉप HCl डालेंगे, decolorize हो जाएगा. ठीक है, एक ड्रॉप HCl डाल दीजिए, एक ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, decolorize हो जाएगा क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाएगा. ठीक है, या पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी ये डीक्लोराइज कर देता है. ठीक है, तो दैट इज द टेस्ट फॉर सल्फाइट. ठीक है, सो विद दैट वी हैव जस्ट फिनिश्ड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप. कुछ पूछना है? ये सारे के सारे रिएक्शंस आपको याद रखने हैं, समझने हैं. हाँ, नहीं थोड़ा सा समझ भी सकते हो. मैं मेरे लिए तो ये समझने वाला है सारा. तुमने तो नहीं किया ना, तुमने तो लैब की शक्ल नहीं देखी थी. कैसी थी? अच्छी थी ना, बस यही था. लैब अगर अच्छी लगती है तो इसका मतलब वो बेकार किया, तुमने गया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं है. हमें तो यही नहीं पता था हमारी लैब कैसी, हम तो सिर्फ एक चीज नजर आती थी, वो देखो सामने बढ़ने लगा, वो भागो उस पर, सीट पकड़ो और काम शुरू करो. How will you distinguish? HCO3 minus और CO3 2 minus का ऐसे distinction नहीं होगा. मुझे पता है कैसे किया जा सकता है, तुम बताओ मुझे. How will you distinguish HCO3 minus and CO3 2 minus? Carbon dioxide निकलने के बाद तो सारे test same है. Carbon dioxide की ये ना test है? तो बताओ, how will you distinguish HCO3 and CO3 2 minus? बोलो, चल सर्च करके बताइए मुझे. ओके, कुछ पूछना है? Okay. Now, we get along with something called concentrated H2SO4 group. ठीक है,
इस ग्रुप में आपके पास है सी एल माइनस, बी आर माइनस, आई माइनस एंड एनओ थ्री माइनस एंड आई थिंक सी टू ओ फोर टू माइनस बी एल ऑक्सलेट. ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप. जब इस कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप की बात करते हैं तो अगेन वी टॉक अबाउट, अच्छा यहां पर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्राई टेस्ट ट्यूब, और यहां पर ड्राई टेस्ट ट्यूब जरूरी है. तो टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसको अच्छी तरह धोया जाता है, उसको थोड़ा सा झटका जाता है, और झटकते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कई बार टेस्ट ट्यूब हाथ से निकल जाती है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. मैंने किया था, मैं 11th क्लास में गया, 11th क्लास में जाने के बाद मैंने पहले दिन वो बर्तन मांज रहे थे सारे के सारे, तो बर्तन मांजते हुए एक 250 ml का बीकर था, मैंने बड़े आराम से, पहले दिन की बात है जब धो रहे थे, तो 250 ml का बीकर था, 250 ml का बीकर था, उसको आराम से धोया, सफाई की, वो क्रोमिक एसिड में डुबोया, नहलाया, उसको चमकाया, चमकाने के बाद ऐसे झटका, फट, शहीद हो गया. पहले दिन ये मैंने किया था, और टीचर सामने खड़ा हुआ था, ऐसे मुस्कुरा के पूछा, तोड़ दिया? मैंने कहा हाँ, वेरी गुड, चलो जाओ. 12th के एंड में मुझे उसी एक 250 ml के बीकर के पैसे देने पड़े थे, बाकी सबकी चीजें तो मैंने इधर उधर से अरेंज कर ली थी, बस वही 250 ml के बीकर के पैसे मुझे देने पड़े थे. 50-52 rupees थे, ऐसे थी. वो प्राइवेट स्कूल था, उन्होंने पहले काटने के बाद ही सिक्योरिटी विक्योरिटी रखी हुई थी उसके अंदर से. वो एक्चुअली मुझसे भी कैसे टूटा था, पूरे पूरे साल में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें एक टेस्ट ट्यूब भी नहीं तोड़ी, और पहले दिन धोते हुए ऐसे ऐसे झटका और हाथ से छूट गया. पता नहीं क्या दिमाग आया था, साफ करूंगा चमकाऊंगा उसे, चमक गया पूरा ही. ओके, नाउ दिस इज द वे आप उसको साफ करते हैं, फिल्टर पेपर लेके उसको पहुंचते हैं, और टेस्ट ट्यूब को अंदर से फिल्टर पेपर से पहुंचना जरा मुश्किल होता है. कुछ लोग होते थे ग्लास रॉड के ऊपर फिल्टर पेपर बांध के अंदर घुसा देते थे और रगड़ते थे, और रगड़ने के चक्कर में फिल्टर पेपर अंदर जाता था, रॉड बाहर आ जाती थी. अब फिल्टर पेपर को निकालने के लिए फिर पानी डाल के उसको शेक करते थे, तो वो बड़ा टेंशन था. उसके दो तरीके और होते हैं, फिल्टर पेपर तो अंदर जाता नहीं है तो दैट इज अ यूजलेस थिंग, हल्का सा उसको झटक दीजिए पानी वानी निकल जाता. उसके बाद क्या करते थे हम, थोड़ा सा एसीटोन लेकर, अ लिटिल अमाउंट ऑफ एसीटोन, यू जस्ट पोर इट इन, शेक इट वेल एंड जस्ट पोर इट आउट. एसीटोन पानी के साथ रिएक्ट करके, इंटरैक्ट करके, इट विल फॉर्म एन एजियोट्रोप, अ लो बॉइलिंग एजियोट्रोप. तो एसीटोन पानी में डालने से पानी का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है, वो भी इवेपोरेट हो जाता है. तो दैट इज हाउ एसीटोन इज अ गुड ड्राइंग एजेंट. ठीक है, तो एसीटोन पानी को आसानी से रिमूव कर देता है, और उसको बाद झाड़ने के बाद वैसे तो वो क्लीन हो जाता था, पर वो मजा आना, पंगे तो लेने होते थे हमें, तो ऐसे ऐसी शराफत से थोड़ा मान जाएंगे आप. फिर उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर में पकड़ के फिर बर्नर पे हीट करते थे. वो एसीटोन के अगर वेपर्स होते तो उसमें आग वाग लग जाती थी, तो बड़ा मजा आता था, तो उसको ऐसे हीट करते थे. हाँ, अब ये पूरी तरह ड्राई ड्राई दिखती थी, और फिर कई महानुभाव हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अबे तो गर्म हो गई, नलका चला के पानी में जी बाहर से, अंदर ही नहीं डालते थे पानी, लेकिन फिर उसमें क्या होता था, गरम गरम टेस्ट ट्यूब होती थी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी में गरम गरम टेस्ट ट्यूब टूट जाती थी, फट. तो ये सारी के सारी हरकतें कर लेते थे, फिर एक आधी टेस्ट ट्यूब ड्राई बन जाती थी, फिर ड्राई टेस्ट ट्यूब बनाने के बाद तसल्ली हो जाती थी, टाइम में से 15-20 मिनट इसमें बर्बाद करते थे, फिर 2 मिनट में टेस्ट हो जाता था. तो फिर हम इस ड्राई टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा सा ड्राई सॉल्ट डालते थे पानी वानी के साथ के बिना, एंड देन एडेड टू इट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. बी वेरी क्लियर, इस वाले टेस्ट के अंदर पंगा ये है कि जो लैब की टेबल्स के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड रखे होते थे, उनसे ये टेस्ट आमतौर से आता नहीं था. अब उसके अंदर यूज करना पड़ता था हमें 98% कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बड़ा मजा आता था, हाथ वाथ में गिर जाता था, छाले पड़ जाते थे, बड़े सुंदर लगते थे. हाँ, एसिड एसिड अटैक विक्टिम्स आजकल बड़े न्यूज में रहते हैं ना, द एसिड्स दे आर रियली डेंजरस. ठीक है, उंगली पे गिर गया, यहाँ पे पता नहीं, उस समय नहीं पता चलता, थोड़ी देर के बाद पता चलता है कुछ जलन सी हो रही है, क्या हो गया, वो छाला अचानक गया था, ये छाला कैसे पड़ गया. हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था, आ गया होगा कहीं, एक ड्रॉप से काम हो जाता, छाला पड़ जाता है. नाउ पढ़ा था कभी सल्फ्यूरिक एसिड आते, तो छाला नहीं पड़ा,
सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, और क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड से पीला नहीं होता, हाथ पीले होते हैं नाइट्रिक एसिड से। हाँ, नाइट्रिक एसिड से हाथ पीले हो जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से काले हो जाते हैं, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड को पीला होने के बाद अगर आप उसमें पेस्ट डाल दो तो ब्राउन हो जाता है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट होता है, ये प्रोटीन है ना, उसका टेस्ट हो जाता है। ओके, नाउ एड टू द सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। नाउ यू मे गेट एफर्वेसेंस, ठीक है। एफर्वेसेंस दो हो सकती है, कलरलेस एंड कलर्ड, ठीक है। यू मे गेट कलरलेस और कलर्ड। अगर कलरलेस है तो इसमें दो ऑप्शंस हैं, ऑर्डरलेस एंड पियर्सिंग ऑर्डर। इफ इट इज ऑर्डरलेस, देन इन दैट केस इट्स गोइंग टू बी अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ऑक्सलेट को अगर सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर रिमूव करता है ऑक्सलिक एसिड में से, और ऑक्सलिक एसिड में से जब वो वाटर रिमूव करता है तो क्रिएट्स अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस विल बी अ कलरलेस गैस, ठीक है। पास दिस गैस थ्रू, वही कार्बन डाइऑक्साइड के टेस्ट हैं आपके पास, पास दिस गैस थ्रू द लाइम वाटर, इट्स गोइंग टू टर्न मिल्की, ठीक है। पियर्सिंग ऑर्डर, पियर्सिंग मतलब एकदम से चुभती है नाक में, तो दैट्स अ पियर्सिंग ऑर्डर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? ओके, तो अब यहां पे अगर हम ऑक्सलेट के टेस्ट की बात करते हैं तो हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस डाइल्यूट HCl प्लस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। दिस गिव्स अ, वैसे डाइल्यूट HCl नहीं डालना चाहिए यहां पर, इट शुड बी एसिटिक एसिड। ठीक है, एंड इट गिव्स यू अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। Now this white precipitate is of calcium oxalate, CaC2O4. This calcium oxalate is a substance responsible for the stones, kidney stones and gallbladder stones. The oxalate. अभी रुक जा यार, अभी तो ये ऊपर वाले कर रहे हैं, एक एक करके कर लेना। शराब नहीं, बियर। बेटा दोनों में फर्क होता है यार, डिफरेंस पता नहीं है बोल रहा है, फर्क है। बियर से यू फील यूरिन पासेज, बियर में अल्कोहल की बात नहीं होती, बियर के अंदर बहुत सारी चीजें और होती हैं, ठीक है। इट्स मेड फ्रॉम बार्ले एंड बीट, जौ से बनती है, ठीक है। तो उसकी वजह से उसके अंदर जब आप पीते हैं तो यूरिन बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। और यूरिन फॉर्मेशन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द स्टोन माइट मूव आउट, डिसॉल्व होकर निकल जाए, तो इसलिए कहते हैं बियर पीने को, शराब नहीं। डिफरेंस है, शराब तो लोग कहते हैं ला बेटा बॉटल ले आ, देसी ले आ, ठर्रा ले आ, वो नहीं, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। बियर नॉट विस्की, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जब आप जब अगर किसी को स्टोन हो जाता है देन इन दैट केस उसको बियर पीने को कहा जाता है। उसको एक दाल आती है जिसे कहते हैं कुलथ की दाल, छोटी छोटी, खाइए कभी, खाइए कभी, एवी छोटी छोटी, सारी दाल छोटी छोटी होती है, बड़ी कौन सी होती है? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, वो छोटी छोटी दाल, हाँ हाँ छोटी छोटी, ब्लैक की होती है, ब्राउन होती है,
हाँ मतलब वही, ब्राउन और ब्लैक में फर्क नहीं है ना। देखो यार ज्यादा जानकारी मत झाड़ो यहाँ पे। हाँ वो कुल्हत की दाल होती है, कुल्हत की दाल मिलती है पहाड़ों में बेसिकली, वहां पर ये काफी ज्यादा यूज की जाती है, लोग बहुत ज्यादा खाते हैं क्योंकि पहाड़ों का पानी हार्ड वाटर है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मिनरल्स, वो मिनरल वाटर उसी को तो कहते हैं, तो वहां पे स्टोन्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो कुल्हत की दाल हैज अ कैपेसिटी टू डिसॉल्व इट। अब ये मतलब नहीं है कि दो चम्मच कुल्हत की दाल खा लिया जा, वो नहीं कच्ची नहीं खाई जाती, बना के खाई जाती है, और बनाना उसको थोड़ा मुश्किल होता है, आसानी से गलती नहीं है। खा के देखिए एमी, कब चखी थी? तेरे भाई को ना वो मेडिसिन के तौर पे बना के दी होगी, हमारे घर में वैसी बन जाती है, मार्केट में मिलती है, दिल्ली में मिलती है, बट यू हैव टू सर्च इट प्रॉपर, अच्छे अच्छे ग्रोसरी स्टोर पे आपको कुल्हत की दाल मिल जाएगी, बट ऐसे ही नहीं पंसारी के बाद। उस कुल्हत की दाल ये क्या होता है जी? अच्छी खासी मिलती है एंड इट इज अ गुड थिंग, अच्छी टेस्टी भी होती है, बनाने का अगर तरीका गलत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसको दवाई के तौर पर जी पानी में उबाल के दाल खिला दी कच्ची, ले खा, तब तो वो तो गंदी लगेगी लगेगी, कोई भी दाल ऐसे उबाल के भी खाओगे तो गंदी लगेगी। और पता नहीं हमारी एक टेंडेंसी होती है कि जहां भी कहीं लिखा होता है ना मेडिसिन, तो इट बिकम्स काइंड ऑफ अ मोरल ऑब्लिगेशन दैट मेडिसिन शुड बी टेस्टलेस, गंदी होनी चाहिए जिससे लोगों को मजा ना आए। तो वो भी कुल्हत की दाल ऐसी है, पर ये मत सोचना कि अगर किसी को स्टोन है तो अगर वो एक कटोरी कुल्हत की दाल खा लेगा तो उसका स्टोन ठीक हो जाएगा। इट इज, इट हैज टू बी इन द नॉर्मल रूटीन, ठीक है, स्लो प्रोसेस है ये, बहुत स्लो प्रोसेस है। तो अगर स्टोन, इट इज मोर लाइक अ प्रिवेंटिव वे कि आप अगर कुल्हत की दाल खाते चले जा रहे हैं तो स्टोन बनेगा नहीं, लेकिन अगर स्टोन बन गया है तो डिजोल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है। मेरे फ्रेंड को, मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए, मेरे एक फ्रेंड को हुई थी स्टोन, तो उसका स्टोन कुल्हत की दाल, बियर, इन चीजों से उसका स्टोन एक्चुअली निकल गया, उसे ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा पर उसका निकल गया था। अब कितने ही कम होते, मेरे सामने जो एक चांस था वो तो निकल गया ना, तो मेरे लिए तो 100% है, ठीक है। मेरा बियर पियर, बियर पीने से ना और कुछ और हो जाता है, फिर यहाँ पे क्लास में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता, बाहर जाना पड़ता है। और हाँ देखो, यू आर इन अ ग्रोइंग एज, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, बियर पीने का एज सच कोई वो इंटॉक्सिकेशन वाला नुकसान नहीं है, लेकिन बियर के साथ एक चीज होती है जिसे कहते हैं बियर बेली। नाम सुना है? बियर बेली। बियर बेली का मतलब बियर के अंदर बहुत, इट्स नथिंग बट शुगर, ठीक है, मटके बने होते हैं लोग, यस, बियर बेली उसका नाम है। वो कहते हैं ना अनइवन फैटनेस आती है, मतलब कि यहां से फूल जाएगा, हाथ पांव पतले पतले हैं, बहुत बहुत वाहियात सा, अब मैं उसको फिगर तो बोल नहीं सकता, फिजिक वो है नहीं, पता नहीं वो क्या बनेगा, तो जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। बहुत से लोग यहां तक कहते हैं कि अगर आपको ज्यादा ही मजा आ रहा है ना तो डोंट टेक बियर, टेक वाइन। वाइन आप थोड़ी लेंगे, जितना अल्कोहल कंटेंट एक पूरी बियर की बॉटल के अंदर जाता है उतना एक पेग में चला जाएगा, यू विल हैव द सेम काइंड ऑफ अ फीलिंग, लेकिन वाइन के नुकसान बियर से कम है, पर उसका मतलब ये नहीं कि बॉटल की बॉटल कट जाओ, फिर वो अल्कोहल वाले नुकसान शुरू हो जाएंगे। एक्सेस में तो हर चीज नुकसान देती है, ठीक है। कभी कभी लोग, जब मैं इतनी जानकारी से लोगों को चीजें बताता हूं तो कहते हैं यार क्या एक्सपर्ट बंदा है, बैठा रहता होगा ठेके में हमेशा, लेकिन फैक्ट ये है पीता नहीं हूं, पिलाता हूं। जो पीने वालों के साथ बैठने का मजा है ना, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, कभी ट्राई करना, खुद मत पीना, लेकिन यू हैव टू बी हैविंग वेरी ग्रेट कंट्रोल कि तुम ना पियो, साथ वाले को पिलाओ, और फिर जो मजे आते हैं ना, बंदे को पता नहीं होता क्या बोल रहा है, और ऐसा ड्रामा होता है, सारी इज्जत उतर जाती है बंदे की। एक बार बिना पिए पीने वालों के साथ बैठ जाओ, तुम्हारा ना पीने का रिजॉल्व बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जो पीने वालों की बेइज्जती होती है ना, उस समय उनको पता नहीं होता कि क्या इज्जत उतर रही है, क्या वो ड्रामे कर रहे हैं, दे फॉरगेट अबाउट व्हाट देयर स्टेटस इज, दे फॉरगेट अबाउट हु दे आर, और उसके बाद जो उनकी हरकतें होती है ना, फिर अगर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली जाए ना, यू कैन एक्चुअली ब्लैकमेल देम बाय शोइंग दैट वीडियो रिकॉर्डिंग, ये हरकतें होती है।
बेटा ये भी नहीं पता होता कि पी के सो जाना है, ये भी अंदाजा नहीं होता। एक बार हुआ था, एंड आई एम टॉकिंग, मेरा जो सर्कल है दीज पीपल आर डायरेक्टर्स एंड गुड पीपल, ठीक है। एक एक डायरेक्टर है आज की तारीख में इंस्टीट्यूट दिल्ली में डायरेक्टर है, वो वी वर्क टुगेदर, उनको पिला दी, होटल में पार्टी चल रही थी और वेटर क्या करते हैं किसी ना किसी एक बंदे को चुन लेते हैं कि आज इसे टल्ली करना है, ये फैक्ट होता है, पार्टी में वो डिसाइड कर रहे हैं इस बंदे को आज करना है, उसी के पास एक्स्ट्रा लार्ज पैक लगा के पहुंचा देंगे। अब बंदा नापता तो है नहीं कि 30 का 60 हो गया है, आ गया ए, वो गिनता है पैक, व्यक्ति पैक्स गिनता है, 1 2 3 3 मेरी कैपेसिटी है, और 3 में उसको 6 पिला देंगे, 6 पिलाने के बाद वो हो गया आउट। वो बंदा मेरे पास आया, बैठा, और सर, मैंने कहा हाँ सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई आज, मैं चढ़ गई है, उसको इतना पता था चढ़ गई, सर मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर देना, ना नहीं सर सब ठीक है सब ठीक है सब ठीक है। अगले दिन उसको कुछ याद नहीं था कि क्या हुआ था। तो उसके बाद वो बंदा बहुत कॉशियस हो गया, उस दिन उसको चढ़ा दी गई थी, उसको पकड़ लिया गया था, उसके बाद वो बहुत कॉशियस हो गया था, अब नहीं पीता वो, प्रैक्टिकली आई थिंक ही हैज लेफ्ट इट। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है। हर किसी व्यक्ति को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना। आई वॉन्ट सजेस्ट दैट यू स्टार्ट टेकिंग इट, बट ठीक है, अगर तुम्हें आदत है जी मैम तो लेनी ही लेनी, तो फिर जस्ट टेक केयर ऑफ योर लिमिट्स। ओके, चलिए भाई, स्टोन से हम उसमें पहुंच गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये जो चीजें तुम्हें बताई है याद रखना, एग्जाम के लिए कोर्स में है, एक चैप्टर है ड्रग्स एंड मेडिसिन, ठीक है, और ऑफ कोर्स आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, आई एम नॉट सेइंग डू अ टेक अ मेक अ करेक्ट डिसीजन और रॉन्ग डिसीजन, यू मे मेक अ रॉन्ग डिसीजन कॉन्शियसली, हाँ मुझे गलत डिसीजन लेना है, कर सकते हो तुम, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि इफ यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। आई एम नॉट टेलिंग यू the decision is wrong or right, I'm just telling you the consequences, now you decide, you are grown up enough to decide for yourself, ठीक है। तो ये हमारे पास oxalate का है, ये oxalate का test है, and now we might get along with the piercing odor, piercing colorless gas, now that piercing odor is of HCl, hydrogen chloride, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस अगर बन गई है तो नाउ वी कैन हैव मेनी ऑफ द टेस्ट्स। जो पहला टेस्ट है वो ये कि आपके पास पियर्सिंग ऑर्डर वाली गैस आ गई है, व्हाट यू डू इज टेक अ रॉड, ग्लास रॉड, डिप इट इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, टेक इट टू द माउथ ऑफ द ग्लास टेस्ट ट्यूब, ये फ्यूम्स इसके साथ टच करते ही, गैस टच करते ही डेंस व्हाइट फ्यूम्स बना देगा, एंड दैट dense white fumes are of ammonium chloride. Ammonium chloride is a sublimable substance. ये आसानी से sublime हो जाता है, evaporate हो जाता है, तो इसके fumes बन जाती हैं. तो that's what dense white fumes are. ठीक है? तो ये पहला test हो जाता है. अब उसके बाद हमारे पास दूसरे test हैं silver chloride के. ये chloride के दूसरे test. What you take? आपके पास है salt सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन के अंदर आप डालते हैं डाइल्यूट HNO3. नाउ दिस डाइल्यूट HNO3 एज सच इज एडेड फॉर सर्टेन रीजंस, पहला थोड़ा सा सॉल्ट को एसिडिफाई करने के लिए, दूसरा इसके अंदर अगर कार्बोनेट्स बायकार्बोनेट्स हैं, सल्फाइड है यानी कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, ठीक है, साइनाइड अगर है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय करने के लिए नाइट्रिक एसिड डाला जाता है, ठीक है। अगर आपको पता है ये सब कुछ नहीं है तो नाइट्रिक एसिड डालने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट टू बी ऑन द सेफ साइड एक ड्रॉप डालने में कुछ जाता नहीं है। एंड देन एड AgNO3 सॉल्यूशन, यू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, नाउ दिस व्हाइट प्रेसिपिटेट इज ऑफ सिल्वर क्लोराइड। अभी सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनने के बाद यू सेंट्रीफ्यूजेड प्रेसिपिटेट आपके पास आ जाता है, इसमें डालिए डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। सिल्वर क्लोराइड रेडिली अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है,
and it becomes Ag plus plus NH3 gives Ag NH3 twice plus. ठीक है, अब यहां पे आगे नाइट्रेट लगाइए, क्लोराइड लगाइए, हाइड्रोक्साइड लगाइए, सल्फेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी लगाइए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. बट दिस इज व्हाट द कॉम्प्लेक्स आयन इज. ठीक है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियाकल सिल्वर क्लोराइड, वॉट एवर इट इज. ठीक है, अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट को टॉलरेंस रिएजेंट कहा जाता है. यानी कि आप सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ड्रॉप वाइज अमोनिया डालते हैं तो पहले एक व्हाइट सा प्रेसिपिटेट बनता है, थोड़ा सा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो इट डिसॉल्व्स, तो वो जो बनता है दैट इज कॉल्ड अमोनियाकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट. ठीक है, तो दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोराइड. ठीक है, अब क्लोराइड के कुछ और टेस्ट है. वी टेक द सॉल्ट, add to it a pinch of manganese dioxide, a pinch of manganese dioxide, and then add concentrated sulfuric acid. ये dry test है. ठीक है, इसको generally watch glass में किया जाता है. watch glass में रखिए, salt डालिए, manganese dioxide डालिए और last में एक drop sulfuric acid डाल दीजिए. यहां से एक ग्रीनिश येलो गैस मूव करना शुरू कर देगी. दैट ग्रीनिश येलो गैस इज क्लोरीन. ठीक है, यहां पे जनरली हीटिंग वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, ये सीधा सीधा ऐसे ही हो जाता है. तो दैट ग्रीनिश येलो गैस इज क्लोरीन जो निकलती है. तो दैट इज अगेन अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ क्लोरीन. ठीक है, ये क्लोरीन के प्रिपरेशन में ये टेस्ट किया था, रिएक्शन किया था हमने. क्लोरीन के प्रिपरेशन में बताया था ना, ये HCl का रिएक्शन है, ये NaCl का रिएक्शन नहीं है, HCl का रिएक्शन है. तो यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड डालना जरूरी है. MnO2 डाल के सॉल्ट के साथ हीट करोगे, कुछ नहीं होगा. याद आया? गुड. ठीक है, अब हम एक और टेस्ट की बात करते हैं, अ वेरी वेरी फेमस टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. ठीक है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. अब क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास है सॉल्ट. ठीक है, इस सॉल्ट के अंदर डाला जाता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट. ठीक है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट डालने के बाद इस सॉल्ट में डाल दिया जाता है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, अगर इस सॉल्ट में क्लोराइड हुआ तो दिस पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट्स विद द सॉल्ट टू फॉर्म CrO2Cl2. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड क्रोमाइल क्लोराइड. ठीक है, अब इस क्रोमाइल क्लोराइड की प्रॉपर्टी यह है कि इट इज एक्चुअली अ वोलाटाइल ऑरेंज रेड लिक्विड. ये एक लिक्विड है. ठीक है, लेकिन हम इस सिस्टम को हीट कर रहे हैं तो ये इवेपोरेट हो जाता है और रेडिश ब्राउन गैस बनके बाहर निकलता है. इस रेडिश ब्राउन गैस को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व कर लिया जाता है. ठीक है, वी हैव अ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. तो यहां पे अगर NaOH के साथ डिसॉल्व कर दोगे तो इट विल फॉर्म Na2CrO4. बताया था आपको बेसिक मीडियम के अंदर इट इज गोइंग टू बी क्रोमेट. एसिडिक मीडियम इट इज डायक्रोमेट. ठीक है, अब इस सोडियम क्रोमेट से ऑब्वियसली इसके साथ सोडियम क्लोराइड भी बनता है, बट वी आर मोर बॉदर्ड अबाउट सोडियम क्रोमेट. इस सोडियम क्रोमेट से दो तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं. तो ये सॉल्यूशन जो हमारे पास बना है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, एक हिस्से में व्हाट वी डू इज हम डालते हैं इसमें एसिटिक एसिड और साथ में डाल देते हैं लेड एसिटेट. एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट सॉल्यूशन. ठीक है, दिस गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड क्रोमेट. तो एक येलो प्रेसिपिटेट लेड क्रोमेट का बन जाता है.
So this is one confirmatory test. ठीक है, अब इसका एक दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट है। दूसरे सॉल्यूशन के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर ऐड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, एंड देन ऐड टू इट अमाइल अल्कोहल। अमाइल अल्कोहल इज पेंटेनॉल, ठीक है। अमाइल अल्कोहल क्या करता है, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं है तो वो एक ऑर्गेनिक लेयर बना देता है, एक वाटर लेयर बन जाता है, ठीक है। H2O2 क्रोमेट के साथ रिएक्ट करके CrO5 बना देता है। यू मे कॉल इट क्रोमियम पेरोक्साइड, यू मे कॉल इट क्रोमियम पेंटोक्साइड। आई होप यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ CrO5, बना दो एक बार, बना भाई, करवा दिया है मैंने। हाँ वो पता है ना, तो बना, एग्जाम में लिखा ना सर ने, तो कराया था, हमें याद नहीं है, है ना। ये क्या बनाया, क्रोमियम की प्लस टेन ऑक्सीडेशन स्टेट। हे राम, वैसे भगवान का नाम भी ना कई स्पेसिफिक सिचुएशंस में याद आता है, एक जब स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा सारे कराए हुए चीजों को गलत करते हैं, और दूसरा वॉशरूम में कोई घुसा हुआ होता है कुंडी लगा के और बाहर जोर से आया होता है, तब बड़ा याद आता है भगवान का नाम। हाँ भाई बन गया, बना ना फिर, बना तो ऐसे रहा जैसे मैंने पानी पीने से पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाने के लिए कह दिया हो। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अरे हाँ चल बना दे अभी। अरे हाँ तो ऐसे बोल रहा है। अरे हाँ सबने यही कर रखा है, यहां तक तो सबने बना रखा है। ये है इंपॉर्टेंट, इट्स पेरोक्साइड। कौन सा लोन पेयर बना दिया भाई बेटा, ये ऐसे होता है, ये एक्चुअली स्क्वायर पिरामिड काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ठीक है, इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन अगर निकाली जाए तो इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, लेकिन यहां पे dz स्क्वायर नहीं है, dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। ये स्क्वायर पिरामिड है, यहां पे लोन पेयर नहीं है। ये dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है, इसमें dz sp3d में जनरली dz स्क्वायर होता है, ट्रायंगल बाय पिरामिड, ठीक है। sp3d में dz स्क्वायर, लेकिन इसमें sp3d में dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। ओके, ये है क्रोमियम पेंटोक्साइड, इट्स अ कोवेलेंट कंपाउंड। बीइंग अ कोवेलेंट कंपाउंड, ये डिसॉल्व हो जाता है ऑर्गेनिक लेयर में, अमाइल अल्कोहल के लेयर में, एंड दिस कंपाउंड इज ब्लू कलर्ड। ये ब्लू कलर है, ठीक है। तो दैट इज द रिएक्शन विच वी कैन यूज। एक बात का ख्याल रखना कि ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट
एक्चुअली स्पीकिंग क्लोराइड का टेस्ट है ही नहीं, ये टेस्ट क्रोमियम का है. और यहां पे क्रोमाइल क्लोराइड का पर्पस सिर्फ इतना है कि एक टेस्ट ट्यूब से क्रोमियम को निकाल के दूसरे टेस्ट ट्यूब में पहुंचा दे. अगर गलती से आपसे कहा गया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट इज देयर, यू ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इट एंड देन यू ऐड एसिटिक एसिड एंड लेड एसिटेट, विल यू गेट अ येलो प्रेसिपिटेट? यस यू विल. व्हाई नॉट? क्योंकि टेस्ट तो क्रोमेट का है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते ही वो सोडियम क्रोमेट बन गया. सोडियम क्रोमेट बनने के बाद उसमें आपने एसिटिक एसिड डाल के सोडियम एसिटेट बना दिया, थोड़ा सा एसिडिफाई कर दिया, पीएच 5 तक पहुंच गया. पीएच 5 के आगे जाके ये क्रोमेट में, डायक्रोमेट में चेंज होता है, तो एसिटिक एसिड पीएच 5 से ज्यादा नहीं पहुंचा पाएगा. ठीक है, सोडियम भी साथ में है, बफर बन जाएगा, पीएच 5 हो जाएगा, तो ये क्रोमेट ही रहेगा. क्रोमेट होने के बाद अब आप जब लेड एसिडेट उसमें डालते हैं तो लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत है ही नहीं. उसमें अगर एमाइल अल्कोहल वाला टेस्ट करोगे वो भी पूरी तरह आएगा, क्योंकि टेस्ट क्लोराइड का तो है ही नहीं. क्लोराइड का काम सिर्फ इतना है कि क्रोमाइल क्लोराइड लेकर एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब में पहुंचा दे, सिर्फ पहुंचाने का काम है. इज इट क्लियर? तो अगर ये टेस्ट करते हुए गलती से आपसे ये जो टेस्ट ट्यूब है उसके ब्रिम पे अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट लगा रह गया, उसका एक क्रिस्टल साइड शिफ्ट हो गया, तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपका कंफर्मेटरी आ जाएगा, चाहे वो वेपर बने या ना बने. इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल एज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट. लेकिन बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट क्लोराइड होते हुए भी नहीं देते, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट कंपाउंड्स. मैं क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं लेड क्लोराइड की, बेरियम क्लोराइड की, कैडमियम क्लोराइड की, मर्क्यूरिक क्लोराइड की. ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते. प्रॉब्लम ये है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में आपने डाला है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. जितने भी कंपाउंड है जिनका सल्फेट इनसॉल्यूबल है वो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देंगे, सिल्वर क्लोराइड नहीं देगा. सिल्वर क्लोराइड खुद अपने आप में इनसॉल्यूबल है. इज इट क्लियर? तो ये हमने बात की टेस्ट ऑफ क्लोराइड की. ठीक है, इस टेस्ट को याद रखना. लैब मैनुअल में उन्होंने बड़ी मजेदार से काम किया है, उन्होंने बेसिक रेडिकल्स में क्रोमियम नहीं दिया है. ठीक है, बट एसिडिक रेडिकल्स में ये वाले टेस्ट दे दिए हैं. तो बी वेरी क्लियर, आईआईटी वाला उसको आराम से पूछ लेगा. एनसीईआरटी के लैब मैनुअल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक है, वो ये उन्होंने ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो छोड़ा हो. अच्छी खासी मोटी किताब के सारे रिएक्शंस लिख मारे हैं, लेकिन लिखे सिर्फ एक बार है, रिपीट नहीं किए. एनायन में जो टेस्ट आ गया कैटायन में नहीं दिया है. अगर किसी कैटायन के टेस्ट पहले एनायन में आ गए हैं तो फिर उसके बाद उस कैटायन को ही गायब कर दिया. ये हरकत है इनकी. ठीक है, जैसे कि क्रोमियम के सारे टेस्ट पहले ही हो जाते हैं, तो क्रोमियम ही नहीं है आपके कैटायन एनालिसिस में. तो ये हमने कलरलेस गैसेस की बात कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द कलर्ड गैसेस. कलर्ड गैसेस के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं. यू मे गेट इट ब्राउन और यू मे गेट इट वायलेट. ठीक है, इफ यू गेट इट वायलेट देन इन दैट केस इट इज आयोडाइड. ठीक है, अब आयोडाइड क्यों बनता है? सिंपल सा रीजन ये है कि सल्फ्यूरिक एसिड बीइंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज आल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है कि आई माइनस के साथ अगर सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाए तो पहले तो ये बनाएगा एच आई. ठीक है, अब एच आई फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बना देगा आई टू. ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड यहां पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो आयोडीन बना रहा है, तो वेरी ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा.
अगर एक चीज ऑक्सीडाइज हो रही है तो दूसरी चीज का रिड्यूस होना तो जरूरी है ना, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस है। क्लियर? अभी एक फालतू का क्वेश्चन ये नारायणा के टेस्ट में पूछ लिया गया कि NaBr प्लस कंसंट्रेटेड एच2SO4 क्या बनेगा। अरे भैया NaBr जब कंसंट्रेटेड एच2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले NaBr एच2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा HBr। अब ये HBr फर्दर एच2SO4 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा Br2 प्लस SO2। तो ये जो गैस बाहर निकलेगी इट विल बी अ मिक्सचर ऑफ Br2 HBr प्लस SO2। अब ये सारा का सारा HBr कन्वर्ट हो जाए जरूरी नहीं है। अब देखो कलरलेस चीज के अंदर अगर एक स्पॉट भी कलर्ड आ गया तो इट इज गोइंग टू बिकम कलर्ड। तो इसलिए ब्रोमीन का कलर नजर आएगा आपको, HBr का तो कोई कलर ही नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड की स्मेल कोई खास नजर आएगी नहीं क्योंकि ब्रोमीन की अपनी एक पियर्सिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो इसलिए ये सिस्टम मिलता है, HBr है बट मोस्टली हम ये बोलते हैं Br2 बन रहा है क्योंकि दिखता वही है। ठीक है, इसी तरीके से आयोडीन के साथ भी है। द टोटल मिक्सचर इज गोइंग टू कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ HII2 एंड SO2। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नाउ तो अगर वायलेट कलरेशन है तो इट वुड बी आयोडीन। अब इसके आयोडीन के हम कंफर्मेटरी टेस्ट ले लें। एक सिंपल सा टेस्ट है, टर्न्स स्टार्च पेपर ब्लू ब्लैक। स्टार्च पेपर लिया जाता है, अब इसमें पेपर है, फिल्टर पेपर है, उसके ऊपर कुछ ड्रॉप स्टार्च की डाली जाती है, स्टार्च सॉल्यूशन की। इट्स मॉइस्ट, ड्राई नहीं, मॉइस्ट स्टार्च पेपर है। अगर वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इट्स गोइंग टू गिव यू अ ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, ये स्टार्च पेपर है, स्टार्च आयोडाइड नहीं। स्टार्च पेपर ऑन रिएक्टिंग विद दिस वायलेट गैस बिकम्स ब्लू ब्लैक। तो ये एक छोटा सा कंफर्मेटरी टेस्ट है, ठीक है। देन फर्दर लेट्स से हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। इस पोटेशियम आयोडाइड के अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा डाइल्यूट HNO3 एंड देन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। इट विल गिव अ येलो प्रेसिपिटेट। नाउ दिस येलो प्रेसिपिटेट इज इनसॉल्यूबल इन अमोनिया। ये अमोनिया सॉल्यूशन में इनसॉल्यूबल है। क्या हुआ, क्या बनाना पड़ेगा? इन सब के लिए टेबल तो बुक में बना हुआ है, सब बना हुआ है NCERT में। वो जो लैब मैनुअल है ना, काफी उसने काफी अच्छा सब दे रखा। उन्होंने क्या किया है, पहले उसको टैबुलर फॉर्म में दिया है कि इसके अंदर ये डाला, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, यानी कि वर्ड्स में पूरा दे दिया। वर्ड्स में देने के बाद फिर उसके नीचे सारे रिएक्शंस दे रखे हैं एंड एक्सप्लेनेशंस। तो काफी डिटेल में 37 पेज का ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर है, ठीक है। एंड दैट टू ये एसिडिक रेडिकल्स, एंड एसिडिक रेडिकल्स पहले है इसमें। तो एसिडिक रेडिकल का 37 पेजेस का है और फिर बेसिक रेडिकल्स है, नहीं नहीं शायद दोनों ही है, मैं ध्यान नहीं दिया पूरे दिन। सेवंथ वाला एसिडिक है, एट वाला बेस है। तो 37 पेज का एसिड रेडिकल्स है उसमें, काफी डिटेल में है, बहुत अच्छा दे रखा है। तुम्हें कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कोई टेबल वेबल बनाने की जरूरत नहीं है, बस उसको एक बार, एक क्या तीन चार बार पढ़ लो,
और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करने का सबसे आसान तरीका यह है कि डू नॉट एवर ट्राई टू अंडरस्टैंड और लर्न इट. डोंट इवन ट्राई इट, बट कीप अ डेफिनेट रिजॉल्व कि मुझे आज 10 पेज पढ़ने हैं. ठीक है, 10 पेज पढ़ने में तुम्हें हाफ एन आवर लगेगा करीब करीब. अगर तुम, मैंने जैसे अभी मैंने डिसाइड किया, जब मैं बोलता हूं तो आई टेक अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट्स टू रीड थ्रू अ पेपर पेज, स्पीक इट. तो तुम्हें अगर पढ़ोगे एक पेपर को, पेज को, तो आई डोंट थिंक सो तुम्हें 1.5 मिनट से ज्यादा लगना चाहिए एक पेज पढ़ने के लिए. एक पेज पढ़ने के लिए 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता. हाँ, नहीं समझना, सिर्फ पढ़ना है, नहीं करना. यही इंपॉर्टेंट बात है. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद नहीं करना होता, समझना नहीं होता, उसे सिर्फ पढ़ना होता है. और पढ़ना एक बार नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा. एक बार में तुम्हारे फरिश्ते याद नहीं रख सकते इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तुम क्या याद रखोगे. मैंने बेटा, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा नहीं था. प्रॉब्लम यह है, इट जस्ट हैपन्ड कि पढ़ा एक बार और मेरी कुछ और चीजें थी, मेरे इंटरेस्ट थोड़े डिफरेंट थे. देयर इज एन ऑथर कॉल्ड आइजैक आसिमोव, साइंस फिक्शन लिखता है. उसने एक बुक लिखी थी एक्स फॉर अननोन. उस एक्स फॉर अननोन के अंदर उसने जितनी भी चीजें एक्स से डिनोट होती हैं उन सबको एक एक करके पकड़ लिया था. उसने एक्सरे भी दे रखा था, हैलोजन भी दे रखा था उसमें. तो वो जब हैलोजन वाले चैप्टर पे आया, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई थी. उस इंटरेस्टिंग चीजों को पढ़ते हुए हैलोजन में इंटरेस्ट हुआ. अब हैलोजन की प्रॉब्लम यह है कि हर एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाता है, तो हैलोजन से कहीं ना कहीं शुरू होते 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 ब्रांचेस चलते 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 पूरी इनऑर्गेनिक आ गई. मेरे साथ ये हुआ था. तो ये रीजन है कि मुझे इनऑर्गेनिक क्यों समझ में आ गया. दूसरा, थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट आया और ये मैंने काम खत्म कर दिया था 11th क्लास से पहले. 9th-10th में निपटा दिया था मैंने एक्स फॉर अननोन को. तो जब 9th-10th में निपटा दिया तो 9th-10th से इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट आ गया. 11th में जब पहुंचा तो 11th में जब ये चीजें और आई तो इनऑर्गेनिक में और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया. ऑर्गेनिक तो मुझे समझ में आती नहीं थी, फिजिकल के कैलकुलेशन मुझसे होते नहीं थे. बस एक इनऑर्गेनिक थी जिसको पढ़ के सिर्फ पढ़ा जा सकता है. कुछ नहीं करना होता, पेन नहीं उठाना, सिर्फ पढ़ना है. तो यही मैंने किया. बस वो इस तरीके से समझ में आ गया. और फिर लैब में जब घुसे तो लैब में कुछ होता हुआ दिखा. और लैब के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट ही है जो किए जा सकते हैं. ऑर्गेनिक का तुम कर नहीं सकते. फिजिकल का क्या करोगे, देखो बैठे देखते रहो. फिजिकल में सिर्फ देखना होता है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है. कैलकुलेशन होते नहीं थे, टाइट्रेशन कर लेता था. कैलकुलेशन मुझसे बड़ी मुश्किल से होते थे. तो बचा क्या, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एनालिसिस. तो जब एक दो बार हाथ जले, कलर आया, कुछ हमारे साथी महान थे. एक साथी ऐसा था, आज की तारीख में कतर में, वो उसमें दोहा में बैठा हुआ है. कोई एक एनालिस्ट है, वो उसमें MBA करके चला गया था वहां पे, तो वहां बैठा हुआ है. उसके क्या आदत थी, एक्सपेरिमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, घर से पुराने सिक्के उठा के लेके आता था और सिक्के रख के नाइट्रिक एसिड डाल के चमकाता था. वो उसका पास टाइम था. तो ऐसे ऐसे तो महान लोग हमारे साथी थे. तो उनके चक्कर में, उनके वाहियात हरकतों से भी कुछ कुछ सीखने को मिल गया. बस ऐसे ही चलता रहा. तो ऐसे समझ में आई मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं, कितनी बार पढ़ना है तुम्हें, सिर्फ एक काम करना है. पहली बात तो ये कि तुम्हें NCERT के अलावा कोई किताब को हाथ नहीं लगाना. फॉरगेट अबाउट पैकेज, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग. NCERT की किताब उठाओ और सिर्फ एक रिजॉल्व कर लेना है कि मुझे रोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 पेज पढ़ने हैं. 10 पेज, ठीक है. NCERT से पढ़ना है, लैब मैनुअल से पढ़ना है, और किसी किताब को हाथ नहीं लगाना. ठीक है, वो 10 पेज पढ़ो, जो बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको लिखो. जब तुम्हारे सारे पेजेस खत्म हो जाएंगे, कितने पेज की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी, आई थिंक 300 पेज की टोटल. 300 पेज से ज्यादा की तो नहीं होगी पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 11th-12th की मिला के. ठीक है, एक महीने में खत्म हो जाएगा. दिसंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 बार पढ़ लो, रोज का आधा घंटा लगेगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे नंबर तुम्हारी जेब में आ जाएंगे. और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1/3 है, ये ध्यान रखो. IIT में 1/3 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. और जहां तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेब में आई, ऑर्गेनिक ऐसे मजाक लगने लगेगी.
इनऑर्गेनिक इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ईजिएस्ट नहीं है, तुम्हें लगता है कि पढ़ के हो जाएगा, सबसे मुश्किल है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री है, बाकी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कार्बन इनऑर्गेनिक है. समझ आई बात? जिस दिन इनऑर्गेनिक हाथ में आई उस दिन ऑर्गेनिक मजाक लगने लगेगी, और जहां ऑर्गेनिक पकड़ में आई फिजिकल में है क्या, पूरी केमिस्ट्री आ जाएगी. आराम से आधा आधा घंटा रोज लगा दो, सिर्फ एनसीईआरटी एंड लैब मैनुअल्स, एनसीईआरटी की 11 12th की एनसीईआरटी एंड लैब मैनुअल्स. ठीक है, पहली बार जब तुम 10 पेज पढ़ोगे बहुत इरिटेटिंग लगेगा, नींद आने लगेगी, लेकिन अगर वो 10 पेज निकल गए और तुम्हें कुछ कुछ आइडिया हो गया, उसके बाद इनऑर्गेनिक से ज्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है. वो 10 पेज पढ़ने सबसे मुश्किल है. ठीक है, और परहैप्स जिस तरीके से हम क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, आई डोंट सपोज तुम में से किसी को इनऑर्गेनिक में नींद आती है, अदरवाइज तो बहुत बोरिंग है. मैं इसलिए कहता हूं इनऑर्गेनिक की क्लास मिस मत करना, क्योंकि इनऑर्गेनिक तुम खुद नहीं कर पाओगे. मुश्किल नहीं है इसलिए नहीं, इसलिए कि एक पेज से आगे नहीं बढ़ पाओगे. चलिए आ जाए इसमें, और एक और मजेदार से रिएक्शन की बात करते हैं. अभी हमने यहां पे बात की इनसॉल्युबल इन अमोनिया, अब हमारे पास है पोटेशियम आयोडाइड, इसके अंदर डाला एसिटिक एसिड. अब देखो मैंने पोटेशियम आयोडाइड जस्ट एज अ रेफरेंस ले लिया है, यहां पे कोई भी आयोडाइड हो सकता है, सोडियम आयोडाइड हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, कोई भी सॉल्युबल आयोडाइड हो सकता है. ठीक है, वी एडेड एसिटिक एसिड टू इट एंड देन एडेड लेड एसिटेट. नाउ जैसे लेड एसिटेट डालोगे इट विल गिव यू अ येलो प्रेसिपिटेट. क्या बोला आपने? CHI3. वो क्यों आएगा? एमी कुछ भी बेटा, वो हैलोफॉर्म रिएक्शन में होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन एसिड्स नहीं देते. ये येलो प्रेसिपिटेट सीधा सीधा PbI2 है. ठीक है, ये लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट है. अच्छा, ये प्रेसिपिटेट भी ऐसा होता था जिसके साथ हम खेल करते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. हमने लैब में खेल ही की है इसलिए आती है, अगर पढ़ाई की होती तो बिल्कुल ना आती. क्या करते थे, जैसे ये प्रेसिपिटेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट एक हल्का, देखो कलर इसका कोई बुरा नहीं होता, गोल्डन सा येलो प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, थिक सा बन जाता है, पाउडर सा. क्या करते थे, इसको सेंट्रीफ्यूज किया, पानी फेंक दिया, अब नीचे बैठा हुआ येलो प्रेसिपिटेट, थोड़ा सा और पानी डाला. ओके, पानी डालने के बाद इसको हीट किया. लेड के हैलाइड्स की एक पिक्यूलियर प्रॉपर्टी है, और ये इसको आइडेंटिफिकेशन भी है, कि लेड के हैलाइड्स एज सच पानी में इनसॉल्युबल है. लेड क्लोराइड व्हाइट है, लेड ब्रोमाइड पेल येलो है, लेड आयोडाइड येलो है, इनसॉल्युबल है, लेकिन हॉट वाटर में सारे सॉल्युबल है. पानी गर्म करते डिसॉल्व हो जाते हैं. लेड क्लोराइड क्लियर सॉल्यूशन दे देता है, लेड ब्रोमाइड थोड़ा सा पेल येलोइश सॉल्यूशन दे देता है, और लेड आयोडाइड गोल्डन येलो सॉल्यूशन देता, शाइनी गोल्डन कलर का सॉल्यूशन आता, बिल्कुल ऐसे जैसे लिक्विड गोल्ड हो. ठीक है, सॉल्यूशन बन गया, क्लियर दिख रहा है, अब उसको रख दो, डोंट डिस्टर्ब इट, जस्ट कीप इट, 10-15 मिनट रखो, ठंडा होगा, और उसके बाद उस पानी को जो बचा हुआ है उसको ऐसे फेंक दो, यू विल गेट ब्यूटिफुल गोल्डन नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स. हम सिर्फ वो क्रिस्टल ऑब्टेन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट जरूर करते थे, उस क्रिस्टल्स को निकाल के फिल्टर पेपर में रख के उसको ड्राई करके बचाने की कोशिश करते थे, लेकिन वो डेलिकेट क्रिस्टल्स होते हैं, घर तक पहुंचते पहुंचते उसका पाउडर बन जाता था, लेकिन लगते बहुत सुंदर थे वो. दैट्स लेड आयोडाइड क्रिस्टल्स. दिस इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ लेड एज वेल एज आयोडाइड. इन सारे टेस्ट को आप लेड के टेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज अनदर टेस्ट ऑफ आयोडाइड. ठीक है, अब एनसीईआरटी में उन्होंने एक और टेस्ट दे रखा है कि अगर मान लीजिए हमारे पास सॉल्ट है, इसको MnO2 के साथ रिएक्ट करवा दिया जाए और इसके अंदर ड्रॉप ऑफ H2SO4 डाल दिया जाए, तो
तो यू गेट वायलेट वेपर्स. वैसे यहां पे MnO2 की कोई खास जरूरत नहीं है, H2SO4 ऑल्सो इज केपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग आयोडाइड टू आयोडीन, बट MnO2 डाल दो तो कहते हैं ना कि वो फजीहत का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न होता है. सुनिए स्टेटमेंट, फजीहत का मतलब होता है बेइज्जती, तो फजीहत का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न होता है. तो यहां पे भी वही है, ऑक्सीडेशन का कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न होता है कि मैंगनीज डाइऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जितना आयोडाइड सल्फ्यूरिक एसिड बच गया होगा उसको भी मैंगनीज डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज कर देता है. ठीक है, सो दैट इज अनदर रिएक्शंस ऑफ आयोडाइड. ठीक है, देन वी हैव अनदर टेस्ट जिसे बोला जाता है लेयर टेस्ट. लेयर टेस्ट, अब लेयर टेस्ट एक सिंपल सा टेस्ट है. टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन, एड टू इट 1 मिलीलीटर ऑफ CHCl3 और CS2 और CCl4, क्लोरोफॉर्म डाल दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो. ऑल थ्री आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड ऑल थ्री हैव अ डेंसिटी हायर देन वॉटर. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, दे मूव डाउन एंड मेक एन ऑर्गेनिक लेयर. तीनों कलरलेस है. ठीक है, सॉल्यूशन कलरलेस है, ऑर्गेनिक लेयर कलरलेस है, बना दिया. अब इसके बाद इसमें डाला जाता है ड्रॉप वाइज क्लोरीन वॉटर, यानी कि पानी जिसमें क्लोरीन है. इट कुड बी NaOCl ऑल्सो, NaOCl ही हो जाएगा पानी के अंदर, सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ी सी क्लोरीन डिजोल्व करके NaOCl बन जाता है. क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और आयोडीन एज बीइंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल उसकी टेंडेंसी टू डिसॉल्व इन द ऑर्गेनिक लेयर इज मच हायर देन द इनऑर्गेनिक लेयर. पानी की जगह वो ऑर्गेनिक लेयर में जाएगा, और क्योंकि दोनों लेयर कलरलेस है तो एक स्पेक ऑफ आयोडीन भी जाएगा तो एक ब्राइट वायलेट कलर नजर आना शुरू हो जाता है, तो चांस ही नहीं कि आप उसे मिस कर जाए. That is called layer test. ठीक है, is it clear? अब इस layer test में एक छोटी सी information और दे देता हूं. जो chlorine water डालना है वो drop wise डालना है, excess में एकदम से नहीं डालना, खासतौर से iodide के test में. जो chlorine water तुम डाल रहे हो ये पहले iodine को create करता है. आयोडीन क्रिएट होता है, आयोडीन क्रिएट होने के बाद वायलेट कलरेशन आ जाएगा. अगर आप क्लोरीन वाटर और डालना शुरू करें तो यू विल ऑब्जर्व दैट दिस वायलेट कलर स्लोली डिमिनिशेस एंड इट डिसअपीयर्स. मतलब कि ये जो ऑर्गेनिक लेयर है वो फिर से कलरलेस हो जाएगा. उसका रीजन ये है कि पहले तो आयोडीन बना, अगर क्लोरीन और डालोगे तो वह आयोडीन को आयोडेट में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, वो फिर से कलरलेस है. इज इट क्लियर? तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज द लेयर टेस्ट. IO3- बताया तो था यार, आयोडेट, क्लोरेट, ब्रोमेट, आयोडेट, हैलेट, कभी तो किया है, भूल जाता है. अब की बात पता है मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा अगर तुम सजा लेने के मूड में हो तो. जिसने भी मुझसे आगे पूछा सर ये आपने कराया था मुझे याद नहीं, मैं उसको बैठाऊंगा, हेडफोन कान पे लगाऊंगा और ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग उसको दिखाऊंगा और जबरदस्ती दिखाऊंगा. हाँ, जब तुम्हें पूरी क्लास 2 घंटे की दोबारा देखनी पड़ेगी ना, नहीं सर अब नहीं, और नहीं, अब नहीं भूल सकते. बेटा रिवीजन अभी तो बोल रहा है ना, एक बार देख पूरी 2 घंटे की क्लास, फिर पता चलेगा कितनी रिवीजन होती है. और पता है सबसे ज्यादा मजा कब आता है, जब तुम्हारी ही बेइज्जती तुम्हारे ही सामने हो रही होती है. ओके,
इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड लेयर टेस्ट. अच्छा, ये लेयर टेस्ट ब्रोमीन के लिए भी वर्क करता है. ऑब्वियसली क्लोरीन के लिए वर्क नहीं करेगा, क्योंकि क्लोरीन वैसे ही कलरलेस सॉल्यूशन में आता है. ठीक है, क्लोरीन अगर लेयर में आता है तो वो कलरलेस सॉल्यूशन देता है, तो इस वजह से क्लोरीन के लिए वैलिड नहीं है. दूसरा, हम क्लोरीन वाटर ही डाल रहे हैं तो क्लोरीन के लिए नहीं है, लेकिन हाँ ब्रोमीन के लिए. ब्रोमीन का जो लेयर में कलर आता है वो ये ऑरेंज कलर आता है, तो ब्रोमीन गिव्स एन ऑरेंज कलर टू द ऑर्गेनिक लेयर, तो ये ब्रोमीन के लिए भी यूज होता है. ठीक है, क्लियर? आयोडीन के टेस्ट क्लियर? वैसे आयोडीन का एक नन्ना मुन्ना सा फालतू का टेस्ट और किया जा सकता है कि आयोडाइड के अंदर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज डाल दो. ठीक है, कॉपर सल्फेट को डालते ही यू विल गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस. ठीक है, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट बता, कॉपर सल्फेट रिएक्टिंग विद पोटेशियम आयोडाइड, प्रोडक्ट लिखो. Cu2 plus I minus के साथ react करके CuI बनाता है और I2 बनाता है. इसको अगर 2 से react करवा दो तो ये half आ जाएगा. ठीक है, ये एक redox reaction है. Q plus iodide is white. Q plus बेटा D10 configuration है, white है. ठीक है, हाँ, अब अगर इस सॉल्यूशन में तुम स्टार्ट सॉल्यूशन डाल दो तो इट इज गोइंग टू गिव यू अ ब्लू ब्लैक कलर. ठीक है, दैट अगेन इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ आयोडाइड. ठीक है, यू कैन टेक अ सॉल्यूशन, ऐड टू इट अ बिट ऑफ स्टार्ट सॉल्यूशन, ऐड टू इट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज, यू गेट अ ब्लू ब्लैक कलरेशन, दैट्स अ कंफर्मेशन ऑफ आयोडाइड. ठीक है, क्लियर? तो ये हमने आयोडाइड को उधेड़ा. अब आयोडीन को उधेड़ने के बाद, आयोडीन और क्लोरीन हमने उधेड़ दिया, बच गए अब ये ब्राउन वाले दो. ब्राउन में दो पॉसिबिलिटीज हैं. अब ये जो दो ब्राउन दो पॉसिबिलिटीज हैं, इट कुड बी NO3 माइनस गिविंग NO2, और इट कुड बी Br माइनस गिविंग Br2. ठीक है, वैसे एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं. नॉर्मली NO2 नहीं निकलता, मतलब कि अगर सॉल्ट के अंदर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, तो NO2 नहीं निकलता. कारण एक बहुत सिंपल सा है. यहां पर NO3- में नाइट्रोजन की प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 है, तो सल्फ्यूरिक एसिड भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर में है, नाइट्रिक एसिड भी हाईएस्ट स्टेट ऑफ नाइट्रोजन में है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है. तो देयर इज नथिंग टू गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लस 5 टू प्लस 4. वो अलग बात है, अगर तुमने बहुत स्ट्रांगली हीट कर दिया और नाइट्रेट आयन को ब्रेक करके ऑक्सीजन बन गया, वो अलग बात है, पर वो इतनी आसानी से नहीं बनता. ठीक है, तो इन जनरल अगर नाइट्रेट हो और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट किया जाए तो ब्राउन गैस इन जनरल नहीं निकलती. ठीक है, पर हम वो रेयर केस ले रहे हैं कि वो ब्रेक करके ऑक्सीजन बन गया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया. ठीक है, एज सच नहीं बनता, पर फिर भी चलो बना दिया. ठीक है, तो हमने मान लिया कि ब्राउन गैस आ गई. ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों गैसेस को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है, काफी मुश्किल है इनको डिफ्रेंशिएट करना. ठीक है, अगर मान लीजिए आप स्टार्च आयोडाइड पेपर लेते हैं तो बी वेरी क्लियर, ब्रोमीन आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो भी आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा,
तो ब्रोमीन भी स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक बनाता है, ठीक है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी उसे ब्लू ब्लैक बनाएगा, दोनों ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम दूसरे टेस्ट पे चल दें तो उस टेस्ट को फिर तो बाकी सारे वेट टेस्ट तो सारे डिफरेंट है, यानी कि आप अगर लेयर टेस्ट में आते हैं ऑफकोर्स नाइट्रेट लेयर टेस्ट नहीं देता, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में आते हैं ब्रोमीन पेल येलो देता है, नाइट्रेट नहीं देता, और ब्रोमीन का जो पेल येलो प्रेसिपिटेट है वो कंसंट्रेटेड अमोनिया में सॉल्यूबल है। ये बड़ी देर से यहां नाच रहा था, यहां से कैसे यहां पहुंच गया। ये एक्चुअली यहां से चलता हुआ यहां गया था, यहां से उड़ के पता नहीं मेरे पे कैसे पहुंच गया। अच्छा दो हैं ये, अच्छा एक तुम्हारे बैग में है। ओके सुनाओ, तो हम लेयर टेस्ट की बात कर सकते हैं, वो ब्रोमीन का टेस्ट आएगा, नाइट्रेट का नहीं आता। इसके टेस्ट की बात कर सकते हैं, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, वो नाइट्रेट नहीं देता ब्रोमीन देता है। और फिर तीसरे टेस्ट की बात कर सकते हैं, ब्राउन रिंग टेस्ट, जो ब्रोमीन नहीं देता, ठीक है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट की थोड़ी सी बात करें, ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर हमारे पास सॉल्ट है, उसमें डाला डाइल्यूट H2SO4, फिर डाला FeSO4, हीट किया, डिजॉल्व किया, और हीट और डिजॉल्व करने के बाद इसमें डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अलोंग द वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ये जब मैं टेस्ट उसमें लैब मैनुअल में देख रहा था, बड़ा अजीब सा दे रखा है, उन्होंने क्या कर रखा है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पहले डाल दिया है और फिर वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब के साथ उन्होंने फेरस सल्फेट डाला है। मुझे नहीं पता वैसे टेस्ट होता है या नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया था, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, उन्होंने फेरस सल्फेट डाला है, शायद हो जाता हो, मुझे नहीं पता, ठीक है। यू गेट अ ब्राउन रिंग और यू बी केयरफुल कि तुम उसको शेक ना करो, एट द जंक्शन ऑफ द टू लिक्विड्स यू गेट अ ब्राउन रिंग, ठीक है। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला पता है ना, गुड, लिख लो। ठीक है। अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम नाइट्रेट की बात कर रहे होते हैं तो मैंने जैसे अभी आपको बोला कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अगर नाइट्रेट में डाल के हीट करते हैं तो उसमें से ब्राउन गैस जनरली नहीं निकलती, ठीक है। जस्ट टू कंफर्म कि इसमें नाइट्रेट है या नहीं, व्हाट यू डू इज यू एड अ फ्यू पीसेस ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है। ध्यान रखना, फिल्टर पेपर कंटेन सेल्यूलोस, सेल्यूलोस इज अ शुगर, इट्स अ कार्बोहाइड्रेट, एंड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड सेल्यूलोस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोस जो आपने ऐड किया, फिल्टर पेपर जो आपने ऐड किया, दैट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने यही बताया था ना अभी आपको कि NO2 क्यों नहीं निकलता, क्योंकि कोई रिड्यूसिंग एजेंट सिस्टम में नहीं है, नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहां पे हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है। और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट जो डाला जा सकता है, दैट इज कॉपर टर्निंग्स, कॉपर, कॉपर के छोटे छोटे पीसेज होते हैं, वो डाल दीजिए, हीट कीजिए, कॉपर इज गोइंग टू बिकम द रिड्यूसिंग एजेंट, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही होता है कि यहां पर जब आप हीट करते हैं तो इनिशियली वो कलरलेस होता है, एंड देन एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब सडनली ब्राउन गैस निकलनी शुरू हो जाती है। द रीजन इज अगेन द सेम, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, एयर के साथ इंटरैक्ट करता है, कलर्ड हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कलरलेस है। इज इट क्लियर, ठीक है। तो मेनली ये ब्राउन गैस तब आती है व्हेन यू एड अ रिड्यूसिंग एजेंट टू इट, मे बी अ फिल्टर पेपर दैट इज सेलुलोस और मे बी कॉपर टर्निंग्स। इज दैट क्लियर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, नाइट्रेट
does not give the test, वो सल्फानिलिक एसिड वाला टेस्ट नहीं देता नाइट्रेट, नाइट्राइट देता है, नाइट्रेट नहीं. ठीक है. अच्छा हाँ, एक टेस्ट मुझे अभी अभी ख्याल आया, वो रिएक्शन हम कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो टेस्ट की तरह से कैसे यूज किया जा सकता है. टेक द सॉल्ट सॉल्यूशन, एड टू इट सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि उसको बेसिक बना दो, और बेसिक बनाने के बाद उसमें जिंक पाउडर डाल दो. अब जिंक पाउडर डालने के बाद जब इसको हीट करोगे, यू विल गेट द स्मेल ऑफ अमोनिया. समझ आ गया क्वेश्चन, रिएक्शन समझ में आ गया. जिंक इज केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रेट इनटू अमोनिया, ठीक है. और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक एम्फोटेरिक एलिमेंट है, हाइड्रोजन लिबरेट करता है, स्ट्रॉन्ग और रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है, ठीक है. तो बेसिक मीडियम के अंदर अमोनिया प्रोड्यूस हो जाता है. इज इट क्लियर? अच्छा ये हो गया, ऑक्सीलेट कर लिया, नाइट्रेट कर लिया, आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप हो गया, ठीक है. अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप और कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप के बाद हमारे पास दो आयंस बच जाते हैं, एक फॉस्फेट और दूसरा सल्फेट. सल्फेट सबसे अच्छा है ना, एक छोटा सा रिएक्शन है, मेक द सॉल्यूशन, एड अ ड्रॉप ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, यू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड, दैट इज कंफर्मेटरी फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फेट. एक ही टेस्ट है, कोई खास पंगा नहीं है. सॉल्ट सॉल्यूशन, एड टू इट डाइल्यूट HCl एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है. इफ इट इज अ सल्फेट यू गेट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन HNO3, ठीक है. इसी तरीके से आप इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन, एस्टिक एसिड, लेड एसिटेट डाल सकते हैं, यू विल गेट अ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट. नाउ लेड सल्फेट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसिटेट, ठीक है. ये लेड के साथ एसिटेट कॉम्प्लेक्स बना देता है अमोनियम एसिटेट, पीएच मेंटेन करके, एंड दैट्स हाउ इट बिकम सॉल्युबल. तो लेड सल्फाइड, लेड सल्फेट इज सॉल्युबल इन अमोनियम एसिटेट, याद रखना, ठीक है, क्लियर. अब एक रिएक्शन और, फॉस्फेट, ठीक है. फॉस्फेट के सारे सॉल्ट्स इनसॉल्युबल है, लेकिन हां जब फॉस्फेट के टेस्टिंग की बात आती है तो उसमें हम मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करते हैं. तो यू टेक द सॉल्ट, एड टू इट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हीट इट, एड टू इट अमोनिया, मेक इट बेसिक, एंड देन एड मैग्नीशियम नाइट्रेट. You will get a precipitate, white precipitate of magnesium ammonium phosphate. ठीक है. और जो फॉस्फेट का सबसे प्यारा वाला टेस्ट है, दैट इज कॉल्ड अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, ठीक है. सॉल्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 बॉइल प्लस अमोनियम मॉलिब्डेट, यू गेट अ कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, ठीक है. कैनरी येलो प्रेसिपिटेट इज अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट, ठीक है. आई थिंक कैनरी येलो यही कलर है, ठीक है. इज इट क्लियर? ये टेस्ट बहुत फेमस टेस्ट है,
बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है तुम्हें पता नहीं है इसलिए तुम कहोगे फेमस काय में तो पता नहीं है, लेकिन एग्जामिनर्स का बहुत प्यारा टेस्ट है। और अब इन्होंने क्या किया है, जैसे कि आईआईटी में पूछ लिया इस बार, उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस दे टुक आर्सनिक। आर्सनिक और फॉस्फोरस का साइज सिमिलर है, आर्सनेट और फॉस्फेट का साइज सिमिलर है। आर्सनिक एग्जैक्टली सेम टेस्ट देता है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है फॉस्फोरस की जगह वहां पे आर्सनिक होता है, वो आर्सेनो मोलिब्डेट है, दैट गिव्स अ कैन येलो प्रेसिपिटेट, इट्स अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आर्सनिक, ठीक है। एंड क्वेश्चन सीधा सीधा विच ऑफ दीज आर नॉट येलो, तो उसमें एक आर्सेनो मोलिब्डेट दे दिया था, एक उसमें पोटेशियम कोबाल्ट नाइट्राइट दे दिया था, ठीक है, और एक उसमें कैडमियम सल्फाइड दे दिया था, और एक उसमें जिंक फेरोसाइनाइड दे दिया था। जिंक फेरोसाइनाइड इज पेल, वो डर्टी व्हाइट और ब्लूइश व्हाइट, तो वो येलो नहीं है। समझ आ गई बात, बी वेरी क्लियर। आईआईटी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा जो एनसीईआरटी में नहीं है, पर एनसीईआरटी में जो भी है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? चलिए अब आई थिंक कल से हम कैटायन एनालिसिस करेंगे और खत्म करेंगे।